बढ़िया। तो फिर वो मानव से शुरुआत करनी होगी, मानव क्या है उसको समझने का भी हम प्रयास करते हैं, और वही है प्रस्ताव विधि है, अपने में जांच परख करके देखना। तो मानव मैं और शरीर के सह अस्तित्व में है ना, ये दो दो अलग अलग इकाइयां है। एक इकाई है मैं सेल्फ जिसे कह सकते हैं हम, दूसरे इकाई है शरीर बॉडी। इसकी आवश्यकता के साथ देखते हैं, जैसी शरीर की आवश्यकता है फिजिकल फैसिलिटी सुविधा है, अभी सुविधा की आवश्यकता सामायिक रूप से है, जब भूख लगी तभी हम खाना खाते हैं तो सामायिक हुआ, जब प्यास लगी तभी हम पानी पीते हैं सामायिक हुआ। अब जो सामायिक है वो मात्रात्मक भी होती है ना, भूख लगी और 10 रोटियां है लेकिन हमारी जितनी मात्रा है उतनी खाते हैं, तो मात्रात्मक है, मात्रा से अधिक नहीं है इसका। और वो जो मात्रा अगर देखी जाए तो वो भी सीमित मात्रा में, तो शरीर की आवश्यकता है सुविधा है, सुविधा की जो आवश्यकता काल में अगर देखी जाए तो सामायिक है, मात्रा में देखी जाए तो मात्रात्मक है, सीमित मात्रा में है, हम एक एक के रूप में उसकी गिनती कर सकते हैं, 1 रोटी 2 जोड़ी कपड़े है ना, 3 मोबाइल चाहे जो भी है उसको किसी यूनिट के साथ में हम गिनती कर सकते हैं, और जिसकी भी हम गिनती कर सकते हैं वो मात्रात्मक है, लिमिटेड है। सेल्फ की आवश्यकता अगर देखी जाए तो जैसी सुख सम्मान आनंद ना, काल में देखा जाए तो ये निरंतर आवश्यकता है, इसी खाना खाने से पहले भी मैं सुखी होना चाहता हूँ, खाना खाते वक्त भी मैं सुखी रहना चाहता हूँ, खाने के बाद भी मैं सुखी रहना चाहता हूँ, एक खाने से लेकर दूसरे खाने के बीच में जो 4 घंटे है, उन 4 घंटों के हर मिनट में हर पल में मैं सुख चाहता हूँ सम्मान चाहता हूँ। क्वांटिटी की रूप मात्रा के रूप में अगर देखी जाए तो मैं की आवश्यकता ये गुणात्मक है, गुणात्मक का अर्थ क्या है कि मैं अभी सुखी हूँ या सुख का अभाव है तो दुखी हूँ, सम्मान का भाव है, सम्मान के भाव का अभाव अगर मुझ में है तो अपमान है, इतनी बात है। क्या हम ये ऐसे कहते हैं क्या कि आज विश्वास बहुत सारा है मेरे पास, 50 ग्राम विश्वास दे दीजिए जी। गणेश कानड़ी जी बताइए, आपका हैंड रेस है। गणेश कानड़ी जी ठीक, हेलो जी वो पहले के संदर्भ में था एंड्राइज मेरा। ठीक 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 जी, मैंने सोचा कि अभी रेज हुआ, ठीक है थैंक यू। तो अभी जब हम मानव को देख रहे हैं तो क्या इस बात को देख रहे हैं कि मैं हूँ शरीर है, मैं अलग हूँ शरीर अलग है, और मैं शरीर के सह अस्तित्व में मानव हूँ, शरीर की आवश्यकता है सुविधा है सामायिक है मात्रात्मक है, मैं की आवश्यकता है सुख है निरंतर है गुणात्मक है, ये जो दोनों की आवश्यकता को देखा जाए तो क्या लगता है ये दोनों आवश्यकता भिन्न है या एक जैसी है, क्या ये दोनों प्रकार की आवश्यकताएं महत्वपूर्ण है, क्या हम दोनों प्रकार की आवश्यकता को पूरा करना चाहते हैं, क्या हम दोनों आवश्यकता को पूरा करने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन लेते हैं, मैं और शरीर की जरूरतें अलग अलग प्रकार की होती है, आप इसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, और रिस्पॉन्ड करने के साथ अगर आपके कोई क्वेश्चन है या शेयरिंग है तो उसको भी रख सकते हैं। इससे लेकर कोई प्रश्न बन रहा है, क्या हम इस बात को देख पा रहे हैं कि शरीर की आवश्यकता अलग है मैं की आवश्यकता अलग है, क्या हम इस बात को देख पा रहे हैं कि मैं हूँ शरीर है। ठीक, तो यहां तक अगर सब बात ठीक है तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेरे जीने में मैं की आवश्यकता और शरीर की आवश्यकता के बीच प्राथमिकता क्या है ना, अधिकतर समय ऊर्जा जो मैं लगा रहा हूं वो मैं की आवश्यकता की पूरी करने के लिए लगा रहा हूं या शरीर की आवश्यकता को पूरी करने के लिए लगा रहा हूं, तो उसकी पूर्ति के लिए क्या आवश्यक है वो भी देखना होगा फिर,
शरीर की आवश्यकता है ये भौतिक रासायनिक वस्तुओं से पूरी होती है। ठीक, जैसे खाना है, कपड़ा है, घर है, मोबाइल है, ना ये जितनी भी चीजें हैं वो भौतिक रासायनिक है, तो शरीर की आवश्यकता है भौतिक रासायनिक वस्तु से पूरी हो सकती है। और इस भौतिक रासायनिक वस्तुओं का अगर मैं उत्पादन नहीं कर पाया तो उसकी उपलब्धि कर सकता हूँ, और उसकी उपलब्धि के लिए मुझे पैसे की आवश्यकता है। तो आवश्यकता सुविधा की है, सुविधा का उत्पादन अगर नहीं कर पाए तो पैसे की आवश्यकता है। अगर ये सुविधा की आवश्यकता लिमिटेड है, मात्रात्मक है, तो क्या लगता है पैसे की आवश्यकता लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? अगर आपको लिमिटेड लगता है तो एल लिखिए, अनलिमिटेड लगता है तो यू लिखिए। बहुत बढ़िया है ना। तो पैसे की आवश्यकता अगर देखी जाए तो लिमिटेड लग रही है, क्योंकि सुविधा की आवश्यकता लिमिटेड है, और पैसे की भी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता सुविधा की है। सुविधा का उत्पादन नहीं कर पाता हूं तो पैसे से मैं सुविधा को खरीदी कर रहा हूं, इतनी सी बात है। लेकिन मैं की अगर आवश्यकता देखी जाए, जो सुख है, सम्मान है, ये कहीं इंदौर के शॉपिंग मॉल में है क्या? कोई शॉपिंग मॉल है इंदौर में, भोपाल में, जहां पर सुख सम्मान मिलता है? नहीं है, है ना। तो इसका अर्थ क्या है कि ये कोई भौतिक रासायनिक वस्तु नहीं है जिसका उत्पादन हो सकता है या उसको उपलब्धि कर सकते हैं। इसकी पूर्ति तो स्वयं में सही समझ और सही भाव से विकसित करते ही होगी। तो मेरी जो निरंतर आवश्यकता है, उस निरंतर आवश्यकता की पूर्ति के लिए सही समझना आवश्यक है, सही भाव का होना आवश्यक है। शरीर की जो सामायिक आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए भौतिक रासायनिक वस्तु की आवश्यकता है। तो यहां पर भी समझने के लिए और एक रिफ्लेक्शन लेते हैं, इन दोनों जरूरत को पूरा करने में जीने में प्राथमिकता क्या है, उससे रिलेटेड ये रिफ्लेक्शन आप इसे आंसर कर सकते हैं। दरम्यान अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो हैंड भी रेज कर सकते हैं या माइक्रोफोन को अनम्यूट करते हुए आप क्वेश्चन को भी पुट अप कर सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि इसे मानना नहीं है, अपने में सारी चीजों को जांच परख करके देख सकते हैं। यहां तक ठीक है सारी बातें? अगर चैट बॉक्स में भी रिस्पॉन्ड कर दिया हाँ तो एक ध्यान आ जाएगा कि बातें ठीक है, फिर आगे बढ़ सकते हैं हम। तो यहां तक बातें ठीक है? यस नो, बढ़िया। तो मानो मैं और शरीर के सह अस्तित्व में है, शरीर की जो आवश्यकता है वो सुविधा सामायिक रूप काल में सामायिक है, मात्रा में मात्रात्मक है, पूर्ति के लिए भौतिक रासायनिक वस्तु की आवश्यकता है। मैं की आवश्यकता अगर देखी जाए तो सुख जैसे सम्मान, काल में निरंतर, मात्रा में गुणात्मक, पूर्ति के लिए सही समझ और सही भाव। अभी क्रिया को देखते हैं। जी विष्णु जी। सर जी नमस्ते, बताइए। नमस्ते सर, मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा था कि पैसे पैसे की जो आवक होती है और आदमी जितना पैसे के लिए ललायत रहता है, जितना भाग दौड़ परिश्रम सब पैसे के लिए करता है, लेकिन पैसा सुख नहीं है, स्थाई सुख नहीं है, फिर भी उसकी कंटिन्यूटी चाहता है आदमी, तो ये किस नजरिए से देखा जा सकता है कि वो सुख, पैसा जो है सुख नहीं है, स्थाई सुख नहीं है, लेकिन कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि जो पैसे की आमदनी हो रही है उसकी निरंतरता
बंद हो जाए, वो चाहेगा कि ये बना रहे कंटिन्यू। ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था। बहुत बढ़िया है ना। क्या हुआ कि ये शरीर की आवश्यकता सुविधा है और सुविधा के उपलब्धि के लिए पैसा है। अब ये शरीर की आवश्यकता अगर मात्रात्मक है, वो अगर ध्यान में आ जाए, तो फिर पैसे की आवश्यकता कितनी है हम उसको भी कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन कंफ्यूजन क्या हो जाता है, हम होना चाहते हैं सुखी, लेकिन सुखी होने के लिए प्रयास करते हैं सुविधा से। अभी मई की आवश्यकता को मैं अगर शरीर की आवश्यकता से पूरी करने जाए, तो मई की जो निरंतर आवश्यकता है सुख की, उसको सुविधा जो है, जो सामायिक आवश्यकता है, उससे पूरी करने का जब प्रयास होता है, तो फिर ये पैसा भी अनलिमिटेड लगता है और सुविधा भी ऐसी लगती है कि अनलिमिटेड। तो चाहे मैं जितना भी संग्रह करते रहूं, मैं संग्रह क्यों कर रहा हूं, सुख के लिए। लेकिन उस बात को अगर हम देख पाए कि सुविधा से तो सुख नहीं है, सुविधा आवश्यक सुविधा का सही समझ के साथ में निर्धारण और उससे अधिक होना, ये समृद्धि है। तो सुख अलग है, समृद्धि अलग है, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, शरीर की आवश्यकता अलग है, मेरी आवश्यकता अलग है, शरीर की आवश्यकता के लिए भौतिक रासायनिक वस्तु, मेरी आवश्यकता की पूर्ति के लिए सही समझ और सही भाव, है ना। जैसी जैसी ये क्लैरिटी होगी, तब ये दिखाई देगा कि निरंतर आवश्यकता जो मेरी है, सही समझ और सही भाव की, सुख की, सम्मान की, तो उसके लिए निरंतर प्रयास, और जो मेरी सामायिक आवश्यकता है उसके लिए सामायिक प्रयास, उसको हम स्पष्टता से देख पाएंगे। और वह अगर देख पाएंगे, तो फिर दोनों भी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम प्रयासरत रहेंगे। लेकिन दोनों की भी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जब प्रयास करेंगे, तब दोनों में अधिक महत्वपूर्ण क्या है, सुविधा या सुख, उसको भी देख पाएंगे और हमारे प्रयास को एक डायरेक्शन भी मिल पाएगी। ठीक है, आपकी बात हमारी बात सही है, लेकिन लोगों को देखें कि उनके पास पर्याप्त सुविधाएं भी हैं, आवश्यकता की पूर्ति भी हो रही है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि और ज्यादा, जितना संग्रह हो गया है, लगे रहते हैं कि दुनिया का तमाम पैसा जो और आ जाए मेरे पास, में संतुष्ट होने का नाम ही नहीं लेते। सर बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है ना, बिल्कुल सही कहा। देखिए क्या है कि हर व्यक्ति सुखी ही होना चाहता है, ये सुखी होना ये हमारी मूल चाहना है। लेकिन सुख क्या है उसकी स्पष्टता अगर न हो जाए, और हमारा सुख से लेकर केवल ये मेरा अपना मानना अगर ये हो जाए कि सुविधा का संग्रह, पैसे का संचय ही सुख है, तो फिर मेरे सुखी होने के लिए मैं क्या करते रहूंगा, अधिक से अधिक पैसे को संग्रह करते रहूंगा, संचय करते रहूंगा, सुविधा का संग्रह करते रहूंगा। लेकिन जब मुझ में वो क्लैरिटी अगर हो जाए कि चाहे जितना भी संग्रह करूं उसका सदुपयोग तो नहीं कर पाऊंगा, इसी एक कहीं पर एक किसी अखबार में मैंने पढ़ी हुई एक घटना मुझे याद आ रही है कि किसी व्यक्ति के घर पर ना ये जो एंटी करप्शन वाले लोग, उन्होंने रेड लगाई और बहुत सारा पैसा मिला, और जो बहुत सारा जो पैसा था वो बोरियों में भर कर बाथरूम में, कहीं वो बेड के नीचे, है ना, इस तरीके से भर के रखा था। सुविधा की आवश्यकता तो मात्रात्मक ही है, मात्रा से अधिक भी अगर हमारे पास है, चार मकान भी अगर मेरे पास है, तो मैं एक ही मकान में रहता हूँ, बाकी तीन मकान में तो मैं रह ही नहीं सकता हूँ, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मात्रात्मक, मात्रा से अधिक जितना भी है ना, तो वो तो केवल संग्रह ही बना रहेगा, उससे तो सुख तो मिलता ही नहीं है। बेसिकली ये जो बात है कि सुविधा शरीर के पोषण संरक्षण सदुपयोग के अर्थ में है, और सुख जो है वो सही समझ और सही भाव का है, ये स्पष्टता के न होने के कारण आदमी ने जिसको भी सुख माना है उसके मानने को पूरा करने के लिए सब कुछ कर रहा है। लेकिन ये अगर मानवीय शिक्षा है ना, ये अगर एक एक व्यक्ति से हम इसको पहुंचा पाए हर एक व्यक्ति तक, तो हर एक व्यक्ति उस बात को देख पाएगा कि सुख क्या है, समृद्धि क्या है, शरीर की आवश्यकता, मय की आवश्यकता, और फिर वो समझ के आधार पर
दोनों भी आवश्यकता को पूरी करने का प्रयास कर पाएगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। लखनलाल असाठी जी या सौरभ जी, जी बताइए सर। मेरा प्रश्न सम्मान को लेकर जी। सम्मान मय का होता है कि शरीर का होता है? वस्तुतः जो हम देख रहे हैं, जो सच्चाई हमारे सामने है, उसमें हम देखते हैं जिनका हम सम्मान करते हैं उनका मय कुछ और है। थैंक यू जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जिस तरीके से असाठी जी का है ना जो प्रश्न ये रखा है कि ये जो सम्मान की आवश्यकता किसे है, मुझे या शरीर को? आवश्यकता के रूप में दिखाई दिया तो मुझे है ना, मैं सम्मानित होता हूँ, मैं अपमानित होता हूँ, ये तो मुझे आवश्यकता है सम्मान की, ये तो दिखता है। फिर उन्होंने जो जोड़कर रखा कि ये जिसका सुविधा संग्रह अधिक है, कहीं हम उसको सम्मानित कर रहे हैं अधिक ना, तो ये दूसरा पार्ट है उनके क्वेश्चन का। देखिए, ये जो कंफ्यूजन है ना कि जिसकी जिससे जितना सुविधा को संग्रह किया उतना वो सुखी, तो सुविधा संग्रह बराबर सुख, इस तरीके से कुछ मान्यता, और उस मान्यता के चलते ये सब कुछ है ना एक्सप्रेशन। सम्मान भी क्या है, सम्मान के किस आधार पर होना चाहिए ना, कल के दोपहर वाले सत्र में पूरा एक सत्र हम सम्मान के लिए रखा है। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो इस सम्मान की आवश्यकता शरीर की है या मैं की है? सम्मानित कौन होता है ना, कौन चाहता है, तो उसको हम यू नो देख पाते हैं और दिखता है कि ये जो आवश्यकता है ये मैं की है। सुरभि दुबे जी, हेलो, आप सभी को नमस्कार। अभी इसमें जो आप लोगों की सभी चर्चा चल रही है, सभी सुन पा रहे हैं ना मुझे? जी जी जी। वो हम जो मेरे विचार आ रहे हैं इस समय में वो ये है कि मैं और शरीर को हम लोग शायद कई बार अलग अलग रख कर देख नहीं पाते, इसीलिए सभी ये सारी जितनी हमारी पहले की चर्चाएं हो रही हैं वो हो रही हैं। और इसका मूलतः यह कारण है कि हमारी जो फीलिंग्स हैं या हम हमारे जो एक्सपेक्टेशंस हैं या डिजायर हैं, ये सभी को हम हमारी भौतिक चीजों की, हमारे भौतिक सुख सुविधा से जोड़कर देखते हैं। इसलिए हम हमारे मैं को और शरीर की आवश्यकताओं को हम अलग नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी वजह से हमें वो आवश्यकताओं और इनको समझना बहुत जरूरी है, ताकि हम हमारे मैं को और सम्मान, जैसे अभी सम्मान की बात हुई तो हम लोग सभी एक सम्मान से बारे में जुड़ा हुआ एक मैं और विषय पे सभी की दृष्टि डालना चाहूंगी कि कई बार ऐसा होता है कि हम, जैसे हम लोगों ने ऑनर किलिंग का एक बहुत ज्यादा वो मुद्दा हमेशा देखा है, तो कई बार यहाँ पर होता यह है कि वो होता रीजन उसका फिजिकल वजह से होता है, लेकिन हम उसे हमारे सम्मान पर ले जाते हैं और एक्चुअल में जिसके सम्मान की बात होती है उस चीज को उस तरह से नहीं सोच पाते हैं। तो हमारा मैं और हमारा जो बॉडी है उसको हम दो तरह से डिफरेंटली नहीं देख पा रहे हैं। कई मुद्दों में मुझे भी ऐसा ही फील होता है कि हम हमारी फीलिंग्स को हम हमारे दूसरे, हमारे फिजिकल अपीयरेंस या हमारी भौतिक सुख सुविधाओं से जोड़ लेते हैं। इसलिए हमारी ये समझ शायद अभी कई तरह से हमको इसको और ब्रशअप करने की जरूरत है, कई तरह से सोचने की जरूरत है, ताकि हम इन्हें सेपरेटली देख सकें। बस यही मेरे विचार थे। जी जी, तो ठीक है। तो ये मैं हूँ, शरीर है, सह अस्तित्व में मानव बना हूँ, मैं की आवश्यकताएं अलग है, शरीर की आवश्यकता अलग है, मैं की आवश्यकता को भी समझना होगा, उसकी पूर्ति करनी होगी, शरीर की आवश्यकता को भी समझना होगा, उसकी पूर्ति करनी होगी। इसी क्रियाओं के रूप में भी अगर देखा जाए तो मैं की क्रियाएं इच्छा विचार आशा, डिजायर थॉट्स और एक्सपेक्टेशंस जो निरंतर बनी है, शरीर की क्रियाओं को भी अगर देखा जाए, खाना चलना है ना, वो एक टेम्पररी रूप में बनी है। तो इतनी चर्चा रखते हैं।
उसको थोड़ा दुरा लेते हैं, अभी इतनी बात हुई थी तो हम लोगों ने मानव को समझना शुरू किया था। हमने देखा था कि जब समझने जाते हैं तो जीने के चार स्तर हैं, चारों स्तर पर संगीत और व्यवस्था को समझने की आवश्यकता बनती है। तो एक मानव हूँ मैं, मनुष्य हूँ, मुझे अपने आप को समझना बनता है, और जब तक मैं अपने आप को ना समझ लूँ, बाकी चीज़ों को जब मैं समझने जाता हूँ अपने आप को समझे बगैर, तो जो अपने बारे में भ्रांतियाँ हैं वो बाहर में फैला देता हूँ। इसलिए हर मानव के लिए अपने आप को समझना एक फोकल पॉइंट है, मुख्य मुद्दा है, स्वयं को समझना जरूरी है। जब अपनी ओर ध्यान देते हैं तो दो तरह की वास्तविकताएं दिखती हैं, एक शरीर और एक मैं। शरीर जिसकी आवश्यकता सुविधाओं के रूप में भोजन आवास वस्त्र ऐसी चीजें, जिसकी आवश्यकता सामयिक है, टेम्पररी है। जैसे भोजन हम समय समय पर लेते हैं, गर्मी में गर्म कपड़े पहनते हैं, ठंडी में ठंडे कपड़े पहनते हैं, नी कपड़े पहनते हैं, कभी मकान में रहते हैं कभी बाहर निकलते हैं, कोई भी सुविधा हम प्रयोग करते हैं उसकी आवश्यकता आप देखेंगे सामयिक है। थोड़ा सोच के बताइए, कोई ऐसी सुविधा है क्या जिसका शरीर को आवश्यकता हो और वो निरंतर बनी रहती हो? आप चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, कोई ऐसी सुविधा जो शरीर की आवश्यकता हो और जिसकी आवश्यकता निरंतर हो, अक्षण हो, ऐसा है क्या? आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। सारी सुविधाएं हम जो है, जैसे भोजन है, वस्त्र है, या रहने की सुविधा है, अन्य ऑक्सीजन, अन्य आवश्यकताएं जो हमारी हैं, या अन्य जिसे हम सुविधा के अर्थ में देख रहे हैं, वो सब थोड़े थोड़े अंतराल से निरंतर बनी रहती है। सुबह भोजन करा, शाम को चाहिए, अंतराल रहता है। हाँ, अंतराल रहता है, पर वो अंतराल भी एक क्या कहें कि एक नियमित अंतराल से आवश्यकता है, तो बारंबारता होती है। हाँ, बारंबार रेगुलरिटी होती है, बट कंटिन्यूटी नहीं होता। ये दोनों अलग चीजें, रेगुलर होना और कंटिन्यूअस होना। तो भोजन की हमको रेगुलर जरूरत पड़ती है, बारंबार जरूरत पड़ती है, परंतु उसकी निरंतरता नहीं होती। अभी भैया ने ऑक्सीजन की आवश्यकता निरंतर, ऑक्सीजन को भी देखें तो हम एक बार ऑक्सीजन लेते हैं फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, हम लगातार ऑक्सीजन इनहेल करेंगे तो हमारे फेफड़े नहीं बचेंगे। अगर आप ऑक्सीजन को भी देखें तो पाएंगे कि उसकी आवश्यकता निरंतर नहीं है। गणेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं ये कह रहा था कि शरीर की जो आवश्यकता है जी, आपकी आवाज नहीं है। आवश्यकता है समय के अनुसार, समय के अनुसार है। हेलो, आवाज आ रही है सर? जी जी क्लियर। शरीर की आवश्यकता जो है वो मात्रात्मक है और समय के अनुसार है जी। तो जैसे भोजन है तो भोजन कितनी मात्रा में चाहिए और कब चाहिए इसका समय निर्धारित है जी। लेकिन जो निरंतरता की हम बात कर रहे हैं तो जब हम मैं की बात करते हैं जी, तो वहाँ जो सुख और समृद्धि की बात हम कर रहे हैं तो उसमें निरंतरता है, लेकिन इसमें समय समय पर आवश्यकता है जी। ये दो चीज थोड़ा सा मुझे लगता है कि अंतर है इसमें। हाँ, वही। तो अगर हम अपनी आवश्यकता को देखें, जैसे सम्मान का भाव, ये हमको हर क्षण चाहिए। ऐसा नहीं कि नाश्ते के समय चाहिए फिर लंच के समय चाहिए। एक लड़का बैंगलोर में काम करता था, उसके पिताजी कानपुर में रहते थे और हम लोग यहाँ पे रह के काम करते रहे हैं, उनके पास में उनका मकान था। तो अपने बच्चे पर लेकर आए, तो जब बच्चे से ये सब बातें होने लगी तो उसने कहा, देखिए देखिए मुझे इन सब बातों में इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट इस बात में है कि मुझे अच्छा नाश्ता मिले, नाश्ते से अच्छा खाना मिले और खाने से अच्छा मुझे डिनर मिले। तो हम लोगों ने कहा कि देखो, हमें तुम्हें नाश्ते खाने और डिनर से कोई कठिनाई नहीं है, आप अच्छे से चलो, परंतु ये जो नाश्ते और खाने के बीच में है, इसमें आप सुखी रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते हो? डिनर और लंच के बीच का जो समय है, इसमें आप सुखी रहना चाहते हो नहीं रहना चाहते हो? उसने कहा, आप सुखी रहना चाहते हैं तो पेट तो भर गया है ना, बट ये जो मैं को सुख चाहिए उसके लिए क्या प्रोग्राम है? कोई प्रोग्राम नहीं है। तो शरीर की आवश्यकता तो सामयिक है, सीमित है, यह स्पष्ट हो जाता है अपने आप को। कुछ उदाहरण यहाँ पे आए, जैसे भोजन, पानी, वायु, इन सबको देखिए तो इनकी बारंबारता है। भोजन बार बार लेते हैं, पानी बार बार पीते हैं, वायु को मैंने बताया, एक बार इनहेल करते हैं, एक बार एक्सहेल करते हैं, लगातार, मतलब निरंतरता नहीं है उसमें, बारंबारता है नहीं। पीस अगर बात करें, अंकुर जी ने लिखा है, तो सेल्फ की आवश्यकता है, ये हमको निरंतर चाहिए। जैसे आप
देखें तो कोई ऐसा क्षण आपको लगे जब आप सम्मान न चाहते हो उसे आप एक पेपर पे लिख दीजिए, कोई ऐसा क्षण लगे जब आपको लगता है कि आप सुखी नहीं होना चाहते पेपर पे लिख दीजिए और आपको दिखेगा ऐसा कोई क्षण नहीं आता। हम सोने भी जाते हैं और सोते समय हम किसी को घर में ऐसा बुदबुदाते हुए सुन लें अच्छा सो गया, जब तक जगा रहता है नाक में दम किया रहता है कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पे हमें सम्मान नहीं मिला। तो हम सोना भी सम्मान के साथ चाहते हैं, सोते समय भी जो स्वप्न आए उसमें अगर कहीं अपमान का भाव मिले हम दुखी परेशान हो जाते हैं। तो मैं कि कोई भी आवश्यकता लेंगे ना तो आप कहेंगे गुणात्मक है, चाहिए तो निरंतर चाहिए, नहीं तो एक क्षण के लिए भी नहीं। सम्मान का भाव चाहते हैं निरंतर चाहते हैं, अपमान का भाव नहीं चाहते एक क्षण के लिए भी नहीं चाहते। सोचिए कोई ऐसा भाव है क्या जिसको हम कभी कभी चाहते हो निरंतर ना चाहते हो, कोई ऐसी सुविधा है क्या जिसको हम निरंतर चाहते हो कभी कभी ना चाहते हो, इसको जरा सोच के देखिए। जी भारत जी कुछ कह रहे हैं। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर मैं ये चाहता हूँ कि भविष्य में जो है ना मेरे को जो है ना किसी भी संसाधनों की कमी ना पड़े, तो सर ये मेरा सेल्फ में आएगा कि बॉडी में आएगा? मतलब सर मेरे को ये थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि मतलब जो ना भविष्य में, मतलब चूंकि जो है ना जैसे मैं चाहता हूँ कि भविष्य में मुझे संसाधनों की कमी ना पड़े, इसके लिए जो है ना मैं जो है ना संसाधनों को संजो के रखता हूँ, हमेशा उनके पीछे दौड़ रहा हूँ ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा हो जाए, क्योंकि भविष्य में पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए चीजों की। तो सर ये जो कंटिन्यूस मेरी चाहते कि भविष्य में जो ना संसाधन की कमी ना पड़े, ये सर मेरा सेल्फ का भाव आएगा कि बॉडी का भाव आएगा, ये मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा है। जी तो कोई अभाव ना हो, ये जो भाव है जिसको समृद्धि कहते हैं ये सेल्फ में आएगा। जी जी बस सर ये मैं थोड़ा सा जी, बट जो सुविधा की उपलब्धता है ये शरीर के लिए होगा। जी तो हम समृद्धि का भाव निरंतर चाहते हैं। जी कि मेरे पास कोई अभाव ना हो। हाँ जी सर ये समृद्धि का भाव हो जाएगा। हाँ जी 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 तो ये निरंतर चाहते हैं समृद्धि का भाव। हाँ जी सर बस ये मैं थोड़ा सा जो ना कंफ्यूज हो रहा था इस चीज में, ये समृद्धि का भाव है, मैं एग्री कर रहा हूँ। जी जी थैंक यू। जितेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, राजेंद्र जी से सुनेंगे। जी जी एक चीज मुझे लग रही है जो बॉडी को हमेशा चाहिए वो है स्वच्छता। क्या ये चीज हमेशा हमें, मतलब मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, सभी लोगों से जानना चाहूंगा, क्या ये जरूरी है हमेशा के लिए? मुझे ऐसा लगता है स्वच्छता को भी देखे ना, अगर स्वच्छता के लिए जो आवश्यक सुविधा है वो भी हमें सामूहिक रूप से चाहिए। जैसे हम नहाते हैं स्वच्छ होने के लिए, निरंतर तो नहीं नहाना चाहेंगे। तो अगर हम स्वच्छता के लिए आवश्यक सुविधाओं को देखें तो सामूहिक रूप से चाहिए। शरीर स्वस्थ बना रहे, स्वच्छ बना रहे, ये ठीक है, वो तो शरीर का एक भाग बन गया। सर नमस्कार। आपने हमारे डिस्कशन में जो एक बात आ रही है कि सम्मान हमारी निरंतर आवश्यकता है, इससे मैं विनम्रता पूर्वक आपसे असहमत हो रहा हूँ। उसका कारण यह है कि मेरे को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। जैसे अभी एक बात हुई कि किसी ने खाना खाया और इसके बाद फिर दोबारा खाना खाया, तो खाना निरंतर आवश्यकता नहीं है बिल्कुल। लेकिन खाना जो निरंतर आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर रहा है, जो शरीर को उस समय चलने के लिए जरूरी है। सम्मान जैसे अब मैंने अभी खाना खाया, नाश्ता किया, जब ये आधे घंटे का ब्रेक हुआ और ब्रेक के बाद मैं अपने काम में लग गया हूँ, मेरे को कोई सम्मान की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने काम को कर रहा हूँ। तो सम्मान निरंतर आवश्यकता है, इसको लेकर मेरे को लगता है गहरी चर्चा आवश्यक है, जो ये प्रश्न पैदा हुआ है। और सम्मान कैसे निरंतर आवश्यक है इसको हम समझना चाह रहे हैं। मैं अभी तो असहमत हुआ हूं, पर हो सकता है कि गहरी चर्चा से एक शानदार निष्कर्ष निकले जो मेरे को नई दिशा दे पाए, तो इस पर एक चिंतन जरूरी है। जी बहुत अच्छा। तो सम्मान के लिए कोई मेरे साथ कोई शब्द कहे, कोई व्यवहार करे, सर मुझे ऐसा लगता है ये जो ब्रेक था, इस ब्रेक में जो है मैंने भोजन करा अच्छे से, और भोजन करने के बीच में यदि मेरी किसी से बहस हो जाती है, यदि उन्होंने मुझे सम्मान नहीं दिया, तो फिर मेरे को दिक्कत हो जाएगी, फिर मैं शायद इसमें दोबारा से ठीक से पार्टिसिपेट ना कर पाऊँ, मुझे ऐसा लगता है। तो सम्मान की जरूरत हो रही है। मुकेश जी ने बहुत बढ़िया बात रखी है कि भोजन जो है वो निरंतरता नहीं है, उसमें
लेकिन सम्मान जो है वो निरंतरता की बात है, और इसमें हमारे साथी भारत जी ने भी बात रखी है कि वो उससे सहमत नहीं है। तो मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा मत रखना चाह रहा हूँ कि सम्मान को उलट करके यदि हम देखें कि हमें निरंतरता चाहिए सम्मान में, सम्मान की, तो हम इसका उल्टा करके यदि देखें कि हम अपना काम सहज तरीके से कर रहे हैं कुछ भी, लेकिन इस बीच यदि कोई हमसे अपमानजनक व्यवहार कर देता है तो हमें लगता है कि ये गलत है। तो जहाँ अपमान होता है तत्काल, चाहे मन वचन या कर्म किसी भी प्रकार से हो, व्यवहार से हो या विचारों से हो, बातचीत से हो, तो तत्काल हमें लगता है कि यहाँ हमारा अपमान हुआ है, और तत्काल हमें उसकी अनुभूति भी होती है, अनुभव होता है, और हमारे विचार बदल जाते हैं। तो इससे मतलब ये लगता है कि सम्मान जो है सतत होना, सतत होने की आवश्यकता है, निरंतरता की आवश्यकता है। इसे सुरभि जी कुछ कहना चाह रही हैं, सबको सुनते हैं एक बार। हेलो जी, ये मन में एक विचार उठ रहा है और उसको थोड़ा सा समझना मुश्किल हो रहा है, इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि उस बारे में कुछ बताएं। जैसे हम अगर सुख की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम बात कर रहे हैं कि हम सभी निरंतर सुख चाहते हैं, लेकिन एक दूसरा विचार ये भी साथ में उठ रहा है कि जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारे किसी प्रिय की तबीयत खराब होना जो है वो हमें दुख देता है, या उनकी किसी तरह की परेशानी जो है वो हमें दुख देती है, तो क्योंकि हम मानव स्वभाव में हैं और हम इन सब चीजों से प्रभावित होते ही हैं, तो इस चीज को कैसे समझें और इस चीज का क्या मतलब वो निकाल सकते हैं, हम इसका सोल्यूशन क्या निकाल सकते हैं, इस पे कुछ आप लोग कहना चाहते हैं? इसको रिस्पॉन्ड करता हूँ, फिर मैं पिछली जो बात चली उस पर आ जाता हूँ। जी जी, उसको हमने समझा कि सुख का अर्थ है संगीत व्यवस्था में जीना। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो हम क्या चाहेंगे, घर में अव्यवस्था फैल जाए या व्यवस्था बनी रहे? अगर व्यवस्था बनी रहेगी तो उस बीमार व्यक्ति का हम ठीक से इलाज भी करा पाएंगे, ध्यान दे पाएंगे, उसके भी सुख को सुनिश्चित कर पाएंगे। परंतु यदि अव्यवस्था फैल जाए तो ना तो उस बीमार व्यक्ति का केयर कर पाएंगे, ना आपस में संबंध ठीक रह पाएगा। जी, जैसे अभी कोरोना काल है, कोई हो सकता है घर में कोई कोरोना का मरीज हो जाए, और जाहिर सी बात है अवांछित स्थिति है, नहीं चाहेंगे किसी को कोरोना हो जाए। परंतु जैसे किसी को कोरोना हो और हम सब उससे एक संबंध को त्याग दें, जब हमारा इसे कोई लेना देना नहीं, ठीक, अब अगले व्यक्ति को कैसा महसूस होगा जिसको कोरोना हो गया, और उससे बाकी परिवार के सदस्यों में कैसा भाव फैलेगा, कल को अगर मुझे हो जाए तो मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। अब ये पूरी अव्यवस्था हो गई, परिवार में एक अव्यवस्था हो गई, इसमें कोई भी सुखी नहीं महसूस करेगा। परंतु इसी में अगर संबंध का भाव बना रहे और हम संबंध के भाव के साथ अगले व्यक्ति के शरीर का ध्यान रख पाएं और उस व्यक्ति का भी ध्यान रख पाएं, मैं का भी ध्यान रख पाएं, ताकि वो कहीं से आहत ना हो, कहीं से दुखी ना हो, तो परिवार में व्यवस्था बनी रहेगी, हम सभी सुखी रहेंगे साथ साथ रहकर। जी है ना, जी हाँ जी, बिल्कुल, धन्यवाद। जो पिछली बात हो रही थी, अगर अनीता जी उसी पे कुछ कहना चाहे तो अनीता जी को सुन लेते हैं, नहीं तो मैं अपनी बात रख देता हूँ। जी सर, अभी रजिन जी की बात मैंने सुनी और दो और विचार सामने आए इसमें। चूंकि आपकी स्लाइड में मैं देख रही हूँ कि आपने लिख रखा है कि हैप्पीनेस और उसके आगे लिख रखा है सुख, फिर लिख रखा है जैसे सम्मान, तो यहाँ मेरे मन में विचार, जब राजन जी ने अपनी बात रखी तो मेरे मन में भी एक विचार ही आया, और मैं इसकी क्लियरिटी आपसे चाह रही हूँ कि सुख के साथ आपने जैसे सम्मान शब्द के पीछे क्या भाव है, ये मैं इस पे थोड़ी सी बात जानना चाहती हूँ। थैंक यू। तो सम्मान एक सहज स्वीकृत भाव है, हमें हर व्यक्ति सम्मान के भाव के साथ जीना चाहता है। ये भाव मुझ में बना रहे तो मैं सुखी रहता हूँ, अगर ये भाव मुझ में बाधित हो तो मैं परेशान दुखी होता हूँ। इसमें भी दो चीजें हैं, एक तो सम्मान का भाव मेरे अंदर बना रहे वो एक बात है, दूसरा मुझे सम्मान करिए अलग बात है। दूसरा भी मुझे सम्मान करेगा उसमें निरंतरता नहीं हो सकती, कोई करेगा कोई नहीं करेगा ना। परंतु यदि समझ के आधार पर मेरे अंदर सम्मान का भाव बना रहे तो मैं निरंतर सुखी बने रहता हूँ। इसलिए इसको सुख के है ना उदाहरण के रूप में सम्मान रखा है, विश्वास रख सकते हैं, स्नेह का भाव रख सकते हैं। ये भाव ऐसे भाव है जो मुझे सहज स्वीकृत है, ये भाव मेरे अंदर बने रहते हैं मैं सुखी रहता हूँ। अगर मेरे अंदर किसी के प्रति भी अपमान का भाव आ जाए, वो व्यक्ति मेरे सामने बैठा हो ना बैठा हो, मेरा दुख शुरू हो जाता है। लेटर से एक उदाहरण लेते हैं कि आप एक कमरे में बैठे हैं, कमरे में 18 डिग्री सेल्सियस पर एसी चल रहा है, गद्देदार सोफा है, घर में सारी सुविधाएं हैं,
परंतु जिसके साथ बैठे हैं उससे आपको सम्मान नहीं मिल रहा, अपमानजनक व्यवहार मिल रहा है, या फिर यूं कहें कि उसके साथ आपका संबंध ठीक नहीं है, सुखी रहेंगे दुखी रहेंगे, क्या लगता है? उदाहरण इस पे कोई बताएं, रिस्पॉन्स दें चैट बॉक्स में, दुखी रहेंगे। अब लेट अस से कि वही स्थिति परिस्थिति है, 18 डिग्री सेल्सियस पे एसी चल रहा है, कमरे में सोफा है, सारी चीजें हैं, अगला व्यक्ति भी नहीं है, परंतु उस कमरे में बैठ कर उसी व्यक्ति का विचार कर रहे हैं जिसके साथ हमारा संबंध ठीक नहीं है, सुखी होंगे दुखी होंगे, फिर से दुखी होंगे। तो जो मेरे अंदर भाव चल रहा है, जो मेरे अंदर विचार चल रहा है ना, इससे मैं सुखी दुखी होता हूँ। अगर मेरे भाव में, मेरे विचार में व्यवस्था है, लय है, सामंजस्य है, हारमोनी है, तो मैं सुखी रहता हूँ, अन्यथा दुखी हो जाता हूँ। तो ये मेरी आवश्यकता है, ये भाव कहाँ है? मुझ में है, मैं में है, शरीर में नहीं है। ये विचार कहाँ चल रहा है? मुझ में चल रहा है, शरीर में नहीं चल रहा है। सुख का भाव कहाँ है? मुझ में है। जबकि शरीर में देखें तो अलग तरह की चीजें, भोजन लेते हैं, कपड़ा प्रयोग करते हैं, साधन प्रयोग करते हैं, जैसे अभी आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो इस कंप्यूटर का मैं प्रयोग कर रहा हूँ जिससे आपसे बात कर, एक साधन है, शरीर की सुविधा है, और एक सीमित मात्रा में मुझे चाहिए, शरीर के लिए आवश्यक है। परंतु जो भाव मेरे अंदर है आपके प्रति, जो आपके अंदर भाव है मेरे प्रति, वो इस सुविधा से अलग चीज है, वो आप में और मुझ में है ना। ये जो सुविधाएं प्रयोग करें तो शरीर के लिए साधन के रूप में काम कर रहा है। बात ठीक है अनीता जी? जी वर्णा जी कुछ कहना चाह रही हैं? जी सर, जैसे कि अभी बात उठी सम्मान और इसकी, तो मेरे अनुसार इसमें रिस्पेक्ट की जगह सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, वो हमें हमारा हमेशा चाहत है सेल्फ की। बाकी तो सम्मान तो कभी आता जाता रहता है, जिस व्यक्ति के पास जो है वो वही देगा। किसी ने हमारा अपमान कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा सम्मान खत्म हो गया, उसके पास वही था इसलिए उसने दिया। तो ये मैं थोड़ा इस बात में बोलना चाहती थी। थैंक यू जी। इसमें मैं थोड़ा सा इसको और क्वालिफाई कर दूं कि सम्मान हम अपना भी चाहते हैं, अगले का भी चाहते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपना सम्मान चाहते हैं। तो हमारे अंदर जो सहज स्वीकृत है वो तो ये है कि मेरा भी सम्मान हो, अगले का भी सम्मान हो। तो अगर इसको सम्मान को हटाकर आत्मसम्मान लिखना हो तो बात थोड़ी हो जाएगी, है ना। तो हमारा भी सम्मान हो, अगले का भी सम्मान हो। मैं अपने अंदर क्षण भर के लिए भी दूसरे का अपमान भी स्वीकारता नहीं, अपना तो नहीं स्वीकारता, इसको जांच के देख लें। जैसे ही आपके अंदर किसी और के प्रति अपमान का भाव आता है, आप परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। इसको और जांचेंगे, समझेंगे, है ना। इसको थोड़ा ध्यान से देना शुरू करें, देखना शुरू करें। और जो पहले बात आ रही थी, मुझे लगता है उसका काफी हद तक हम लोगों ने डिस्कशन किया भी। तो जो कह रहे थे भैया ना कि मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ तो सम्मान मिल रहा है नहीं मिल रहा है बहुत मैटर नहीं कर रहा। अगर आप देखें कि हो सकता है वो काम आपका ना हो, किसी और को दिया गया हो और शासन पूर्वक आपको डाइवर्ट कर दिया गया हो कि ये छोटा काम है तुमको करना पड़ेगा। अब क्या हो गया, आप काम कर रहे हैं परंतु उस काम के साथ आपको जो भाव मिल रहा है वो सम्मान का भाव नहीं है, तो आप फिर उससे परेशान होते हैं। तो भोजन किया आपने, ठीक है, सम्मान के साथ किया। भोजन के बाद जो हम काम करने जा रहे हैं उस काम में अगर ऐसा कोई भाव है जो हमको सहज स्वीकृत नहीं है तो हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। भोजन भी कर रहे हैं, भोजन में कोई हमको परोस के अच्छे से अच्छा व्यंजन दे परंतु ठेल के दे दे लेखा भूखा कहीं का, तो भोजन तो मिल गया शरीर को, मैं को सम्मान नहीं मिला। ये सब बारीक बारीक चीजें हैं ऑब्जर्व करने के लिए, जितना इसको और ऑब्जर्व करेंगे ना और क्लैरिटी बनेगी। तो अपने को दिखाई देगा कि मेरी जो भी आवश्यकता है मैं की, वो निरंतर है, क्वालिटेटिव है, गुणात्मक भाव के रूप में। शरीर की जो भी आवश्यकता है वो सब सामयिक है, सीमित मात्रा में है। जी राजेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर कुमार, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कह रहा हूँ कि लगातार आप चर्चा को गहरा कर रहे हैं। मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है, जब जीवन के हारमोनी की हम बार बार बात कर रहे हैं, संगीत की बात कर रहे हैं, तो जीवन का एक संगीत है और जीवन की एक प्रकृति ये है, और हमारा अनुभव भी है कि जीवन हमेशा उतार चढ़ाव से ही चलता है, सम्मान और अपमान से ही चलता है। तो अगर निरंतर सम्मान के भाव अगर मेरे अंदर है तो निरंतर सम्मान का भाव कहीं ना कहीं अपेक्षा को छू जाता है, और जब वो मिलता नहीं है तो मैं दुखी हो जाता हूँ। तो सवाल ये है कि जीवन के संगीत को जब मैं समझ जाता हूँ कि नहीं, हो सकता है कि जिन चीजों के लिए एक व्यक्ति मेरे को सम्मान दे रहा है दूसरा उसके लिए मेरे को अपमानित भी कर सकता है,
तो जब मैं जीवन की लय को समझ जाता हूँ तो फिर उस अपमानित होने का मेरे को असर नहीं होता है, क्योंकि मैं जीवन के साथ संगीत में हो चुका हूँ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि निरंतर सम्मान का भाव बने रहना कि सम्मान मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये अपने आप में एक अपने को प्रॉब्लम पैदा करने वाली बात होती है, और इसको मैंने महसूस भी किया है। मैं आपको एक थोड़ा छोटे से उदाहरण से बता रहा हूँ कि अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है और मैं 100 टीचर्स को लेकर काम कर रहा हूँ, उसमें 50 टीचर्स लगभग हमारे जिले के हैं और 50 बाहरी जिलों के। हमने उनको 40 दिन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति से लेकर PPT बनाना, गूगल फॉर्म बनाना, कई तरह की चीजें सिखाई हुई। मैं अपने को व्यस्त रख रहा हूँ, लोगों को व्यस्त रख रहा हूँ, पर मेरे हाथ से कई ऐसे फीडबैक आ रहे हैं, नेताओं ने कंप्लेंट भी किया कलेक्टर को कि राज्य शिक्षा केंद्र से ऑनलाइन क्लासेस पर प्रतिबंध है और राजेंद्र चला रहे हैं, जबकि क्लासेस पर प्रतिबंध है, टीचर्स अगर सहमति से करते हैं तो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, एक सरकारी कर्मचारी के नाते आदेशों का मेरे को पालन करना है। तो अब सवाल यह है कि मैं सम्मान की अगर आकांक्षा सारे लोगों से रखूं तो फिर मैं अपने काम को बंद कर दूंगा। लेकिन मेरे को पता है, मेरी एक समझ है जिसकी आपने बात की थी शुरू में, एक अंडरस्टैंडिंग है कि जिस दिशा में मैं जा रहा हूं वो ठीक दिशा है और मेरे को उसमें जाना चाहिए। तो मैं निरंतर सम्मान की आकांक्षा के बिना भी काम कर पा रहा हूं, और इसलिए मैं ये बार बार कह पा रहा हूं आपसे कि निरंतर सम्मान की आकांक्षा निरंतर नहीं होती है, ऐसा मेरे को अपने जीवन से लगता है। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा पॉइंट रखा आपने, मैं स्पॉट क्लैरिफाई कर दूं। तो दूसरे से मुझे हर क्षण सम्मान मिले ऐसी चाहना नहीं है, परंतु सम्मान का भाव मेरे अंदर बना रहे ये ठीक है। तो मुझे पता है कि दूसरा व्यक्ति जैसी उसकी स्थिति होगी वैसा ही मेरे साथ व्यवहार करेगा। तो अगर उसमें समझ का भाव है तो अपमान का भी व्यवहार कर सकता है, कभी सम्मान का भी कर सकता है। तो सहज स्वीकृति तो सम्मान के प्रति है, बनी रहती है। सम्मान का भाव भी मेरे अंदर समझ के साथ हर क्षण बना रहता है, परंतु जब हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उसमें ये व्यवहार में बहुत सारा विद्रेक हो सकता है, कभी सम्मान का भाव मिल सकता है, कभी अपमान का भाव मिल सकता है, परंतु सम्मान का भाव समझ के साथ मेरे अंदर निरंतरता में बना रह सकता है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, आगे चल सकते हैं। जी सर, अगर और थोड़ा सा देखें तो ये दिखता है कि जो मेरी आवश्यकता है वो सही समझ, सही भाव से ही पूरी होती है। जो शरीर की आवश्यकता है वो भौतिक रासायनिक वस्तुओं से पूरी होती है। तो भौतिक रासायनिक मतलब जो भी ये प्रकृति की वस्तुएं है ना, भोजन, आवास, वस्त्र, जहां से हमें मिलता है, सब भौतिक रासायनिक वस्तुएं हैं। परंतु मेरी जो आवश्यकता है वो समझ और भाव से पूरी होती है। और थोड़ा सा आगे देखते हैं, जिसपे बात हुई थी ब्रेक से पहले, कि मेरी क्रियाओं को देखें तो मुझ में इच्छा, विचार, आशा, ऐसी क्रियाएं चल रही होती हैं। शरीर को देखें तो शरीर में कुछ ऐसी क्रियाएं चल रही, जैसे खाना, चलना, हृदय धड़कना, रक्त दौड़ना, सांस चलना, इस तरह क्रियाएं हो रही हैं। अब अगर शरीर क्रियाओं को देखेंगे ठीक से तो पाएंगे कि जो भी क्रियाएं होती हैं वो रुक रुक के हो रही हैं, उसमें बारंबारता है। जैसे सांस चलना बारंबारता है, परंतु एक बार हम सांस लेते हैं फिर एक बार छोड़ते हैं। हृदय का धड़कना, हृदय एक बार फैलता है फिर सिकुड़ता है। रक्त का दौड़ना, ऐसी अगर हम शरीर की किसी भी क्रिया को देखेंगे तो पाएंगे कि वो एक जड़ वस्तु की तरह है जिसमें सामयिकता है, टेम्पररीनेस है। अगर अपनी क्रियाओं को देखेंगे तो दिखेगा कि हमारे अंदर इच्छा की क्रिया हमेशा चलती रहती है, विचार हमेशा चलता रहता है, आशा की क्रिया हमेशा चलती रहती है, निरंतरता है इसमें। इच्छा की वस्तु बदलती रहती है, विचार का वस्तु बदलता रहता है, एक्सपेक्टेशन हमारा कभी कुछ होता रहता है, परंतु क्रिया के रूप में हमेशा चलता रहता है। तो मेरी हर क्रिया भी निरंतर है, शरीर की हर क्रिया भी सामयिक है। तो क्या दिखाई देता है कि मेरी हर आवश्यकता निरंतर है, शरीर की हर आवश्यकता सामयिक है, मेरी हर क्रिया निरंतर है, शरीर की हर क्रिया सामयिक है। और इसको आगे ले जाके देखेंगे ना, इसकी जो निर्वाह प्रक्रिया अगर उसको आप देखेंगे तो पाएंगे कि शरीर में जो भी निर्वाह हो रहा है वह पहचानने के आधार पर हो रहा है। जैसे हमने शरीर में कोई भोजन डाला, अगर उस भोजन में विष है तो शरीर पे एकर का प्रभाव पड़ेगा, शरीर बीमार हो जाएगा। अगर भोजन स्वास्थ्य के अनुकूल है उससे शरीर स्वस्थ हो जाएगा। परंतु मैं क्या निर्णय लूंगा, कौन सा भोजन मुंह में डालूंगा, ये मेरे मानना पे निर्भर है। अगर कोई कह दे कि अगर इस भोजन को तुम मुंह में डालोगे इससे कल तुम्हारी लॉटरी लग जाएगी, तो हो सकता कोई व्यक्ति वो ऐसा भोजन जो बहुत स्वास्थ्य के अर्थ में ना हो मुंह में डाल ले कि इससे मुझे लॉटरी लग जाएगी। अब क्या हो गया, मानना बदल गया। जैसे आप भोजन करने के लिए सुबह बैठे, आपको भूख लगी हो,
और आप कहें कि भाई जल्दी भोजन लाओ, 10 बज गया मुझे भूख लगी है, शरीर को भोजन की आवश्यकता बनी हुई है, तब तक आपको कोई कह दे कि अरे आज कैसे भोजन करने आ गए, आज तो पूर्णिमा है, आज तो व्रत है तुम्हारा, आपको याद है ओहो आज तो पूर्णिमा, आज तो व्रत है, शरीर को भोजन की आवश्यकता बनी हुई है, बट हमने ये माना हुआ है कि आज व्रत है इसलिए आज भोजन नहीं करना है, तो हम कहते ठीक है कोई बात नहीं भोजन नहीं चाहिए रहने दो, आप उठ जाते हैं, तब तो कोई कह रहे नहीं नहीं गलत याद आ गया, ये 26 तारीख आज नहीं कल था, अरे तो ठीक है भाई भोजन लाओ, भोजन की जरूरत है। अब क्या हो रहा है, हमारा जो निर्वाह करना है, मैं का जो निर्णय लेना है वो मानने पर निर्भर कर रहा है, जैसा मानने की क्रिया होती है वैसा ही पहचानना, वैसे ही निर्वाह करना होता है। शरीर को भूख लगी है, अगर शरीर में भोजन जाए तो भोजन को पचाएगा, भोजन नहीं मिलेगा तो बिना भोजन का रहेगा, वैसा ही पहचाना निर्वाह करना होगा। बहुत मसालेदार भोजन लेकर खाएंगे तो शरीर पर एक तरह का प्रभाव पड़ेगा, सादा भोजन लेंगे अलग तरह का प्रभाव पड़ेगा। तो शरीर में अगर आप देखें तो कोई मानने जैसी क्रिया नहीं है, सिर्फ पहचाना निर्वाह करना है, मानने क्रिया मुझ में है। एक और उदाहरण लेते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति आपकी ओर एक सुई लेकर आए चुभोने के लिए, तो अगर उस सुई को शरीर में चुभोया जाए तो सुई नुकीली वस्तु है, कठोर है, शरीर के अंदर जाएगी, रक्त बाहर आएगा, सिंपल सी प्रक्रिया जो हर बार होगी, नहीं सुई नुकीली है, कठोर है, शरीर अंदर जाएगी, रक्त बाहर आएगा, ये पहचाना निर्वाह करना जो शरीर में हर बार घटेगा। पर ये जो व्यक्ति आपकी तरफ सुई लेकर आ रहा है, इसको आप अलाउ करेंगे या डिसअलाउ करेंगे, ये आपके मानने पर निर्भर है। अब कोई ऐसी कोई व्यक्ति लेकर आ रहा हो सुई आपकी तरफ, आप नहीं कहेंगे उसको सुई चुभोने के लिए, बड़ी अजीब सी बात लगती है। बट यदि आपको कहा जाए कि सुई नहीं सिरिंज है और उसमें दवा है वो वैक्सीन है, और ये वैक्सीन का एक डोज दे लोगे तो तुम सिक्योर रहोगे, कोरोना नहीं होगा तुमको, ठीक, तो आप कहते हैं हाँ भाई दे दो लगाओ वैक्सीन लगाओ, बहुत जरूरी है आजकल तो कोरोना फैला हुआ है। फिर कोई आकर आपसे कहे कि देखो मुझे एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया है, उसमें लिखा हुआ है कि जो भी इस वैक्सीन को लगाएगा एक साल बाद नहीं बचेगा, आप कहते हैं ऐसा, अरे मना करो इसको, वैक्सीन लगाना है भाई, मना करो छोड़ दो, हमें बिना वैक्सीन की ठीक है, कम से कम 5 साल और जी जाएंगे वैक्सीन ना लगाकर, वैक्सीन से तो सोचता है 1 साल में मर जाए। अब आपका मानना बदल गया, आपका निर्वाह बदल गया उसके कारण, उसी वैक्सीन को आप अलाउ कर रहे थे कुछ देर पहले, अब आप उसको डिसअलाउ कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, क्यों, आपका मानना बदल गया, आपको लगता है इस वैक्सीन को लगाने से 1 साल बाद मृत्यु हो जाएगी तो नहीं लगवाना है। फिर कोई दूसरा व्यक्ति कह रहे हैं आजकल बहुत सारे फेक मैसेज चल रहे हैं, मुझे भी ऐसा आया था, बट उसके बाद एक डिस्क्रिप्शन भी आया कि नहीं नहीं ये फलाना जो साइंटिस्ट है इसने ऐसी कोई बात कही नहीं है, ये फेक न्यूज चल रहा है, देखो फेक लिखा हुआ है ऊपर में, तो आप कहते ओहो बिना मतलब के लोग परेशान करते, लाओ भाई लाओ वैक्सीन लगाओ। अब क्या हो रहा है इस पूरी प्रक्रिया में आप देखें, थोड़ा सा इसको आप एनालाइज करिए, तो जैसे आपकी मानने की क्रिया होती है वैसे आपका पहचाना निर्वाह करना होता है। कोई एक सुई लेकर आ रहा है आप मना करते हैं, सुई क्यों लगवा दें अपने आप में, कोई कहता है नहीं सुई नहीं वैक्सीन है लगवा लो, तो आप लगवाते हैं, फिर कहता है वैक्सीन लगवाने से आप नहीं बचोगे तो नहीं लगवाते हैं, कोई कहता नहीं नहीं कुछ नहीं फेक न्यूज है आप लगवा लेते हैं। पूरे समय आप देखिए तो क्या हो रहा है, ये बार बार एक्सेप्ट करना रिजेक्ट करना कहाँ हो रहा है, सेल्फ में या बॉडी में, क्या लगता है, इसको आप चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, कहाँ हो रहा है, सेल्फ में या बॉडी में, क्या लगता है, ये जो हम कहते हैं कि हाँ वैक्सीन लगा दो फिर कहते हैं वैक्सीन नहीं लगाओ, ये निर्णय कौन ले रहा है, सेल्फ या बॉडी, मैं ले रहा हूँ या शरीर ले रहा है, मैं ले रहा हूँ, ये मानने की क्रिया मुझ में हो रही है, शरीर में तो सिंपली पहचाना निर्वाह करना होगा, वैक्सीन जाएगा उस वैक्सीन से अगर कोरोना से बचाव होना होगा तो होगा, अगर वैक्सीन अभी उतना प्रूफ नहीं है तो नहीं होगा, सिंपल पहचान निर्वाह करना होगा। इसमें जानने की वस्तु क्या है, जानने का अर्थ है जो चीज जैसी है उसको वैसा जानना समझना, तो समझने काम जैसे अभी हम जो कर रहे हैं समझने काम है, क्या समझना है, स्वास्थ्य क्या है, शरीर क्या है, मैं क्या हूँ, संबंध क्या है, सम्मान क्या है, विश्वास क्या है, ये समझने की बात है। ये भी कहाँ हो रहा है, मुझ में हो रहा है, मैं में हो रहा है, शरीर में नहीं हो रहा है, शरीर एक साधन की तरह काम कर रहा है। तो अगर इस निर्वाह की पूरी प्रक्रिया को देखें तो मैं में 4 तरह क्रियाएं होती है, जानना मानना पहचानना निर्वाह करना, शरीर में सिर्फ 2 ही तरह क्रिया होती है, पहचानना और निर्वाह करना। तो जानने के अभाव में मानने की रूप में रहता है, जानने के साथ स्वीकृति बन जाती है, स्वीकार हो जाता है ये। तो अगर मैं और शरीर को अध्ययन करें तो इतनी बातें दिखाई देती हैं, और उसको आगे लेके चलते हैं, तो जानना मतलब समझना, मानना मतलब स्वीकारना, जानने के आधार पर या जानने के अभाव में।
पहचानना मतलब संबंध को पहचानना, जैसे सुई और शरीर इनके बीच में एक संबंध है, सुई कठोर है, शरीर मृदु है, सरल है, कोमल है, तो शरीर के अंदर चला जाएगा। अगर सुई की जगह एक धागा रहता और धागे को हम शरीर पे छुआएं तो अंदर नहीं जाएगा। तो धागे के साथ एक तरह का संबंध है, सुई के साथ अलग तरह का संबंध है। तो जो भी वास्तविकता है चाहे मानव हो शेष प्रकृति, उसका संबंध को पहचानना और उसके आधार पर निर्वाह करना। तो शरीर का पहचानना और निर्वाह करना देखें तो निश्चित है, मैं अगर देखें तो जो भी पहचानना निर्वाह करना है वो जानने और मानने के आधार पर है। यदि मानना जानने के आधार पर है तो मानना सही होगा, पहचान निर्वाह करना भी ठीक होगा, आचरण निश्चित होगा। यदि मानना जानने के आधार पर नहीं है तो मानना सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए पहचानना निर्वाह करने में अनिश्चितता रहती है, तो आचरण निश्चित रहता है। ये बात ठीक है, इस पर कोई रिफ्लेक्शन हो? मैं कुछ नाम से पुकार लेता हूँ जिन लोगों ने अभी तक कोई बात नहीं रखी। जी इंद्रपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? इंद्रपाल जी ने हैंड रेज किया है, प्रेमलता उपाध्याय जी आपकी तरफ से कोई शेयरिंग? साधना जी? हाँ, मैं इंद्रपाल सिंह बोल रहा हूँ जी। सर मैं थोड़ा सा मतलब जो चर्चा हमारी हो रही है इसके संबंध में अपनी थोड़ी सी एक बात रखना चाहता था जी। मुझे नहीं मालूम कि मैं कहाँ तक सही हूँ और कहाँ तक गलत हूँ, पर फिर भी मुझे लगा कि बात को कहना तो चाहिए। ये बात मैं अपने प्रतिभागियों से भी कहना चाहता हूँ और अपने सब समूह के साथ भी करना चाहता हूँ कि ये कार्यशाला हमारी सार्वभौमिक ह्यूमन वैल्यूज के आधार पर है। मैं अपनी बात को इस तरीके से कहूँ, जैसे मान लीजिए एक हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल कोरोना पेशेंट्स का इलाज करता है, परंतु उसकी एक व्यक्तिगत इकाई है एक मरीज। अगर उसमें 100 मरीज का इलाज हो रहा है और एक मरीज बाहर खड़ा हुआ है और उसको एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो वो मरीज कहता है कि ये हॉस्पिटल कोरोना पेशेंट का इलाज नहीं करता है, जबकि हॉस्पिटल ऑलरेडी 100 पेशेंट्स का इलाज कर रहा है। तो जब भी हम सार्वभौमिक वैल्यूज की बात करते हैं उसमें व्यक्तिगत डिस्कशन का आना बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि व्यक्तिगत डिस्कशन उसकी एक इकाई है। तात्पर्य केवल इतना ही है, जैसे अभी हम सम्मान के संबंध में बात कर रहे थे, मैंने अपना हाथ उसी बात के लिए उठाया था, जो है जब हम सम्मान के बात में बात कर रहे थे तो हम सार्वभौमिक से व्यक्तिगत पर आ जाते हैं, जबकि हमारी चर्चा का जो विषय है या जो हमारी कार्यशाला का जो क्षेत्र है वो उससे कहीं बहुत बड़ा है। हमको इस व्यक्तिगत रूप से थोड़ा सा बाहर निकल करके सोचना होगा। उदाहरण के लिए मैं आपसे कहूँ कि जब श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर के कौरवों की सभा में गए थे तो उन्होंने अपना भोजन दुर्योधन के परिवार में ना लेकर के विदुर के परिवार में लिया। अगर मैं इसको सम्मान के परिप्रेक्ष्य में सोचूं और हम सब लोग इसको एक यूनिवर्सल एस्पेक्ट के आधार पर विचार करें तो मुझे लगता है कि उनके यहाँ भोजन करना सम्मानजनक बात थी। हम सब लोगों के दिमाग में ये विचार आएगा कि हाँ वो अगर उन्होंने ऐसा किया तो ये बात ज्यादा सम्मानजनक थी, अगर वो दुर्योधन के साथ भोजन करते तो ये बात इतनी सम्मानजनक नहीं होती। तो मेरा अपने अधिक सभी साथियों के साथ ये बात करने का जो आशय है वो ये है कि हम सार्वभौमिक चीजों के आधार पर बात कर रहे हैं। और जैसे कि रजनीश जी ने कहा था शुरुआत में, हमने कहा था कि हम शब्दों के पर ना जाएं, शब्दों का जो विस्तार है उस विस्तार से क्या अर्थ निकलता है इस बात पर हम ज्यादा ध्यान दें तो हमारी चर्चा ज्यादा सार्थक होगी। मैं ये नहीं कहता कि व्यक्तिगत चीजों की चर्चा नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत चीजों की चर्चा निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि जब हम एक इकाई की बात करते हैं तभी हम 100 पर पहुंचते हैं। तो मेरा निवेदन सिर्फ इतना ही है कि हम व्यक्तिगत के साथ साथ लार्ज प्रोस्पेक्टिव में जो हम सोच रहे हैं उसका लार्ज प्रोस्पेक्टिव में किस प्रकार से निष्कर्ष निकलते हैं, सामान्य रूप से क्या एक्सेप्टेबल है, इस बात को भी हम ध्यान में रखेंगे तो हमारी चर्चा ज्यादा सार्थक और हम ज्यादा नतीजे पर पहुंच पाएंगे। थैंक यू। थोड़ा सा मैं कह दूं कि नहीं सारे प्रश्न रेलिवेंट हैं, उनको जरूर रखें। हाँ ये बात जरूर है कि हम अपने बारे में भी जांचें और सार्वभौमिकता के अर्थ में भी जांचें, परंतु अपने बारे में अगर कोई बात स्पष्ट हो तो जरूर रख दें। इंद्रपाल जी का जो भाव है बिल्कुल ठीक है कि हम लोग बातों को समझें
परंतु अपने बारे में अगर कोई भी किसी भी मुद्दे पे कोई शंका हो तो जरूर रखें, हम लोग इस चर्चा में बिल्कुल खुले हैं, हर मुद्दे पे बात हो सकती है। बट इंद्रपाल जी का धन्यवाद, उन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत से हम जीरो, हम एक से सौ पर पहुंचते हैं, इसलिए बात एक की भी महत्वपूर्ण है, दो की भी महत्वपूर्ण है, पर निष्कर्ष वो महत्वपूर्ण है जो सौ लोगों का या ज्यादातर लोगों का जब मिलता है एक साथ जो है, तो वो महत्वपूर्ण है, पर हर व्यक्ति को अपनी अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है। मेरा सिर्फ इतना ही है कि हम हमारी समझ को विकसित करें तो हम व्यक्तिगत के साथ यूनिवर्सल कंपैरिजन भी एक बार अपने माइंड में कर ले, तो इससे हमको चीजों को समझने में आसानी होगी। बस दिस इज द ओनली पर्पज व्हाट आई टोल्ड यू। बहुत अच्छा जी, साधना जी ने अनम्यूट किया था अपने आप को, जी बताया। फिर समीरा जी हैं। क्षमा चाहती हूँ, वो गलती से अनम्यूट हो गया था, लेकिन हाँ मैं एक चीज कहना चाहती हूँ। वाकई में सार्वभौमिक विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे एक चीज मुझे लगी कि मैं के दो अर्थ होते हैं, एक मैं अहंकार होता है और एक मैं होता है सेल्फ को पोषित करना, और एक मैं होता है सार्वभौमिक रूप में जिसे हम एक परम शक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं, और उसको अल्प विराम के जरिए उसको हमने अनुभव भी किया है अपने जीवन में। तो यहाँ एक समझने की आवश्यकता है कि हम जब बातें कर रहे हैं या कोई भी उदाहरण दे रहे हैं तो वो किससे रिलेट कर रहा है, किस मैं को इंगित कर रहा है, इस चीज को और थोड़ी समझ को विकसित करने की आवश्यकता मुझे लगता है कि जब मैं इस तरह से चर्चा करती हूँ, तो ये मुझे काफी ट्रुथफुल लग रही है इस विषय में। काफी विस्तार से जब सब चीजें सुनने में आ रही हैं, बहुत बढ़िया। कुमार जी मैं आपसे काफी प्रभावित हूँ, और आपके देख करके मुझे लगता है कि आपने जीवन में काफी इन चीजों को जिया है और अपने जीवन में उतारा है, बखूबी आप उन चीजों को डिलीवर कर पा रहे हैं, तो ये बहुत ही अप्रिशिएबल है, और मैं वाकई में इसे अपने जीवन में जरूर उतारूंगी। और एक चीज है जो मुझे बार बार यहाँ पे लग रही है कि जिन चीजों पे भी हम चर्चा कर रहे हैं वो बिल्कुल वैसे हैं जैसे अल्प विराम को हम एक लिटरेचर के रूप में अगर देखें तो वो कुछ इस तरह से आएगी जैसा यहाँ पे हम अभी चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत और उसे विस्तार से जानने का मौका मिल रहा है, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। जी आपने जो पॉइंट रेज किया वो रिलेवेंट है, उसको थोड़ा मैं स्पष्ट कर दूं, क्योंकि मैं शब्द को भी कई प्रकार से प्रयोग किया गया, तो हम मैं के द्वारा उस वास्तविकता को इंगित करना चाह रहे हैं जो आप हैं। तो आप भी हैं और आपका शरीर भी है, एक मानव के रूप में हम सभी हैं। तो जब ये मैं शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ना, तो उसको हम अभी उस न तो जिसे परंपरा में अहंकार कहा गया उस रूप में रख रहे हैं, न जिसको अस्तित्व के रूप में रखा गया उस रूप में रख रहे हैं, परंतु एक इकाई को इंगित कर रहे हैं। मैं एक इकाई के रूप में हूँ, आप एक इकाई के रूप में है, एक शरीर के साथ बने हुए हैं, उस मैं की बात हो रही है, उस सेल्फ की बात हो रही है। जी बहुत अच्छा, बिल्कुल सर, जहाँ से शुरुआत होती है वो यही एक इकाई ही है और यहीं से सारी समझ शुरू होती है, थैंक यू सो मच। जी बालवीर जी ने हैंड रेज किया। जी सर, मेरे विचार से यदि खुद की जो समझ है, यदि अपने खुद को हित में हित को मतलब खुद का लाभ या हित को ना देखते हुए यदि खुद की समझ होगी तो एक समझ के साथ निर्वहन करेंगे तो वो हमेशा वो खुद की समझ सार्वभौमिक ही होगी। यदि अभी इसको खुला रखते हैं, अभी खुला रखते, देखिए अभी जब तक हमको अपने आप में बात समझ में ना आ जाए तब तक उसको इंडिविजुअल या पर्टिकुलर रखते हैं एक व्यक्ति के लिए, मैं अपने लिए। मैं इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं मतलब उस चीज को मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारी सोच एकदम सोच में क्लियरिटी होगी तो वो सार्वभौमिक ही होगी, मैं मेरे विचार से सर। जी 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 अच्छी बात है, अगर इस निष्कर्ष पे आप स्वयं से पहुंच पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है। जी सत्य प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सत्य प्रकाश जी, मैं अपने सभी मित्रों से निवेदन केवल इतना ही करना चाहता हूँ कि जो इस पूरी बात है, पूरी समझ है, उसको सबसे पहले स्वयं के बारे में ही हमको चिंतन करना है, जो स्वयं अलग्राम में भी करते हैं कि पहले हमें स्वयं ये जो भी प्रस्ताव है, जो भी बात कही जा रही है, सहज स्वीकृति के आधार पर स्वीकार है या नहीं। तो आपको जब स्वयं के लिए जो कुछ भी है वही जो कहते हैं जो पिंडे तथा ब्राह्मण्डे, जो हमारे लिए ठीक है वो पूरे विश्व के लिए ठीक होगा।
तो उस आधार पर अगर समझने की कोशिश करेंगे तो हमें लगता है कि ज्यादा समय का ज्यादा प्रभावी उपयोग कर पाएंगे हम लोग। तो बाकी लोगों के लिए क्या होता है उसके बारे में हम लोग बाद में शायद सोच सकते हैं। अभी हमें इस पर ध्यान रखना है कि जो कुछ भी कहा जा रहा है क्या मुझे स्वीकार्य है, और अगर मुझे स्वीकार्य है तो उसको मैं किस रूप में अपने साथ विश्लेषित करता हूँ। उसमें अगर प्रश्न है अपने लिए तो वो जरूर हमें करना चाहिए और उससे ज्यादा स्पष्टता बन पाएगी सर। बहुत अच्छा बात। लखनलाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने हैंड रेज किया, ठीक है मैं थोड़ी बात आगे लेके चलता हूँ, फिर हम लोग इस पर लौट के बात करेंगे। तो अभी हमने जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करना, चार शब्दों पर बात किया, कुछ और समझते हैं तो पाएंगे कि अगर जी लखनलाल जी। मैं बस इतना कहना चाहता था कि दूसरों के अहंकार की रक्षा करना भी खुद का सम्मान हो सकता है। देखिए सम्मान क्या है इस पर हम लोग बात करेंगे कल विस्तार से कि सम्मान है क्या ना? और जब हम अहंकार शब्द का प्रयोग करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो हमें सहज रूप से स्वीकार नहीं है। तो जो हमें सहज रूप से स्वीकार नहीं है उसके लिए जब मैं कोई योजना बनाता हूँ तो उसमें उभय सुख नहीं होगा, ना मेरा सुख होगा ना अगले का सुख होगा। तो सम्मान क्या है जब इसे कल बात करेंगे विस्तार से तो बात स्पष्ट हो जाएगी। लखन जी तो आदमी की अगर कुल समस्या देखें तो ये है कि अगर सिर्फ मानना पहचानना निर्वाह करना हो रहा है, जानना शेष है, तो समस्या में होते हैं। क्योंकि जाने बगैर हम कुछ मान लेते हैं, जैसे कई बार कहते हैं ना एक ने कही दूसरे ने मानी दोनों ज्ञानी। तो हमने जाने बगैर मान लिया, जांचा नहीं, परखा नहीं, जी कर देखा नहीं, प्रमाणित नहीं किया और मान लिया, तो एक हमारी मान्यता बन जाती है बिना जाने मानना। और ये मान्यता है जो बदलती रहती है, समय समय बदलती रहती है। अभी आप देखिए उसके कई उदाहरण हैं। आज से 30-40 साल पहले देखें तो हमारे देश में, और थोड़ा पहले 50 साल, जीन्स आया। जब वो जीन्स आया तो एक प्रकार का था, बिल्कुल एक ही कलर का हुआ करता था। कुछ समय बाद उसके साइज में बदलाव होने लगा, कभी बेल बॉटम, कभी नैरो फिटिंग। अब ये जब कई बार बदलाव हो गया उसके बाद फिर उसके रंग में बदलाव होने लगा, कभी फेडेड, कभी थॉरोली एक कलर का। अभी टॉर्न जीन्स आने लगे हैं, फटे हुए जीन्स। अभी क्या हो रहा है, कौन सा जीन्स का कपड़ा पहनने से सम्मान मिलेगा ये निश्चित नहीं हो पा रहा। तो कभी बेल बॉटम पहनते हैं, कभी टाइट फिट पहनते हैं, कभी वेदर्ड पहनते हैं, कभी टॉर्न पहनते हैं। अभी मान्यता बदलती रहती है फैशन के नाम पर, इसलिए आदमी का आचरण निश्चित रहता है। तो आज मोटे हील का जूता काम आता है, कल को पतले हील का जूता आ जाता है, फिर परसों मोटे हील का जूता आ जाता है। आचरण निश्चित है। कौन सा जूता है जो हमारे पैर को ठीक से बनाए रखेगा, कौन सा कपड़ा है जो हमारे शरीर को ठीक से बनाए रखेगा, निश्चित नहीं है। अभी बहुत सारी चीजों को हम जाने बगैर मान लेते हैं। IIIT हैदराबाद में बच्चों के साथ इंडक्शन प्रोग्राम चला और उसके 2-3 महीने बाद कुछ बच्चों के आचरण में परिवर्तन दिखाई दिया। तो वहाँ के जो डायरेक्टर थे उन्होंने सारे बच्चों को बुलाया और उनसे बातचीत की कि ऐसा दिखाई दिया था कि बच्चे बहुत अब्यूजिव लैंग्वेज करते हैं, गाली गलौज करते हैं बहुत ज़्यादा, जबकि जब कैंपस में नए नए आए थे तो गाली गलौज नहीं करते थे। तो सारे बच्चों को बैठाया गया, उनसे पूछा गया बताओ कि यहाँ आने से पहले आप में से कितने लोग घर पे गालियाँ देते थे। 180 बच्चे एक बार में आते हैं, उनमें 4 बच्चों ने हैंड रेज करके कहा कि हम लोग यहाँ आने से पहले भी गालियाँ देते थे, बाकी 176 बच्चों ने कहा कि हम कभी गाली नहीं देते थे। फिर पूछा कि ये बताओ अब तो आपको कैंपस में आए हुए 3-3.5 महीने हो गए, अब बताओ आप में से कितने लोग गालियाँ नहीं देते हैं। तो सिर्फ 4 बच्चों ने हाथ उठाया ये कहते हुए कि हम अभी भी गालियाँ नहीं देते हैं, बाकी 176 बच्चे गाली दे रहे थे। इसका मतलब कि जो 4 बच्चे पहले गाली दे रहे थे अब वहां से घटकर सिर्फ 4 बच्चे ऐसे रह गए जो गाली नहीं दे रहे थे। अब इतना सारा परिवर्तन क्यों हो गया भाषा में? पूछा गया भाई बताओ क्या बात है, आप गाली क्यों देते हो, आप शब्द क्यों बोलते हो? तो पहले तो बच्चे मौन रहे कि डायरेक्टर है क्या है, कैसी कैसी बातें पूछ रहे हैं हमसे। फिर एक लड़के ने उठ के कहा कि सर गाली देने से ऐसा लगता है कि हम अपने माँ पिता के चंगुल से आजाद हो गए हैं। एक लड़के ने उठ के कहा सर कि गाली देने से ना आपस में इंटीमेसी बनती है, घनिष्ठता आती है मित्रों में। तो ऐसे 10 तरह की बातें बच्चों ने बताई इस कारण से गाली देते हैं, अब शब्द बोलते हैं। उनसे कहा गया ठीक है ये बताओ कि अब आप में से कितने लोग, जब आपका अपना परिवार होगा, आपके अपने बच्चे होंगे,
अपने बच्चों के सामने गाली दोगे, किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। अब आप थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करिए क्या हो रहा है, फिनोमिनन को अगर आप देखिए क्या हो रहा है। बच्चा घर में था, माँ पिता के सामने था, गाली नहीं दे रहा था, कॉलेज में आगे गाली देना शुरू कर दिया, जब वो स्वयं माँ पिता बने गाली नहीं दे रहा, ये आचरण की अनिश्चितता है। कौन सी भाषा है जिससे म्यूचुअल हैप्पीनेस होगा, वह सुख होगा निश्चित नहीं है। कौन सी भाषा है जिससे हम अच्छे से संवाद कर पाएंगे निश्चित नहीं है। तो घर में है तो एक तरह संवाद करते हैं, कॉलेज में आके अलग तरह संवाद करते हैं। उसी कॉलेज में अगर दो बच्चों के बीच में विरोध का भाव आ जाए और एक गाली दे दे तो उसी गाली को लेकर लड़ाई हो जाएगी। कल जब तक मैत्री थी उसी गाली से लग रहा था कि इंटीमेसी आती है, घनिष्ठता आती है। तो अगर बिना जाने कोई चीज मान लिया जाए ना तो उसमें आचरण की अनिश्चितता रहती है। आप देखिए बच्चों की भाषा कैसे बदलती है जब वो हायर एजुकेशन में आते हैं, बच्चों के हेयर स्टाइल कैसे बदलते हैं, बच्चों के कपड़े कैसे बदलते हैं, बच्चों के रहन सहन का ढंग कैसे बदलता है, बच्चों का माँ पिता के प्रति भाव व्यवहार कैसे बदलता है। जब बच्चे फर्स्ट ईयर में आते हैं हम लोग उनसे पूछते हैं कि भैया आपका एम्बिशन क्या है, क्या चाहते हैं आप, तो लगभग सारे बच्चे कहते हैं कि हम अपने माँ पिता को खुश करना चाहते हैं, उनके ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं। आप यही बात फोर्थ ईयर के बच्चे से पूछिए कि आप क्या चाहते हैं, तो बच्चे कहें कि हम एक अच्छा जॉब चाहते हैं, अच्छी पैकेज चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं, वैसा चाहते हैं। शायद ही कोई बच्चा ऐसा कहता हो कि हमने माँ पिता को सुखी करना चाहते हैं। अभी क्या हो गया, चार साल में क्या कर दिया हमने ऐसा कि बच्चों की जो इच्छा थी कि माँ पिता को खुश करें, सुखी करें, अब वो इच्छा बदल गई। अभी मान्यताएं बदलती रहती, जब माँ पिता साथ में रह रहे हैं तो एक तरह की मान्यता ये हमारे अपने हैं। चार साल हॉस्टल में रह लिए, अब वो पराए हो गए या काफी हद तक, मैंने कहा पूरी तरह से, परंतु अब वो एम्बिशन नहीं रहा माँ पिता को सुखी करना है। ये परिवर्तन कैसे हो? रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि जाने बगैर मान सम्मान क्या है, इनको अगर हम न समझे और मान ले तो हमारी मान्यताएं बदलती रहती हैं, मान्यता बदलती रहती है, हमारा आचरण निश्चित रहता है। समाधान क्या, यहां से समाधान यह है कि जानने काम पूरा हो जाए। तो जानने काम अगर पूरा हो जाए जो शिक्षा संस्कार विधि से हो सकता है, और शिक्षा संस्कार ऐसा नहीं जिसको फॉर्मल एजुकेशन ही कहेंगे, जो घर में मिल रहा है वो भी शिक्षा संस्कार है। पहला संस्कार तो बच्चों को माँ पिता से ही मिलता है, तो हम सभी माँ पिता हैं, हम सब देख सकते हैं कि हम बच्चों के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं उसमें बच्चों के मान्यताएं बढ़ रही हैं, मानने की क्रिया बढ़ रही है, या बच्चों का जानना बढ़ रहा है, समझ बढ़ रही है। ये जांचने की बात है, इसको ये भी देखने की बात है कि हमारे अंदर मानने का काम हो रहा है या जानने का काम भी हो पा रहा है, हमारा अपना आचरण निश्चित है या अनिश्चित है। नहीं तो जानना स्वयं में जांच के आधार पर, सहस्वीकृति के आधार पर, उसके अनुसार जीने के आधार पर, तब हमारा मानना निश्चित हो जाता है। फिर हम तय कर सकते हैं कौन सी भाषा है जो म्यूचुअल हैप्पीनेस इंश्योर करेगी, कि सुबह सुख होगा, कौन सा कपड़ा है जो स्वास्थ्य सुनिश्चित करेगा, बाल को कैसे रखना है जिससे हमारे शरीर का स्वास्थ्य बना रहे, ये सारी चीजें तय कर सकते हैं कि नहीं हमारा आचरण निश्चित होता है। हमारी इच्छाएं हमारी अपनी होती हैं, ऐसा नहीं कोई भी आया और हमारे कोई इच्छा हमारे अंदर परोस के चला जाए और हम उसके अनुसार चलने लगे, ये आचरण की अनिश्चितता है। कोई भी आता है हमारे सामने कोई एक वस्तु रखता है और हमारी इच्छा बन जाती है, तो ये शिक्षा संस्कार द्वारा संभव है जिससे हम समाधानित हो पाए, जिसमें हमारा जानने का काम पूरा हो जाए। ये बात ठीक है, इस पर कोई अपना कोई शेयरिंग करें, कोई ये बात ठीक लग रही है चैट बॉक्स में बता सकते हैं लिखकर, ये बात कितनी सही है कितनी नहीं है। तो प्रॉब्लम के डोमेन से निकलकर सॉल्यूशन के डोमेन में आना है, समस्या के डोमेन से निकलकर समाधान के डोमेन में आना है, और ये जानने के द्वारा ही संभव है। तो आपका एक रिफ्लेक्शन ले लेते हैं पोल के माध्यम से, क्या ये कहना सही है कि हमारी समस्याएं बिना जाने मान लेने के कारण है? क्या आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं? दृढ़ता से सहमत हैं, सहमत हैं, न तो सहमत न असहमत, असहमत हैं या दृढ़ता से असहमत हैं? जी लखनलाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। मैं थोड़ा सा मान्यता शब्द को लेकर दुविधा में हूं कि ये मान्यता कहें या चलन कहें, क्योंकि जो हमारी मान्यता थी अगर हम 500 साल पहले की बात करें तो रामचरितमानस में है, जाने विनु न होए प्रतीति, विनु प्रतीत होए नहीं प्रीति। जो आप कह रहे हैं वो 500 साल पहले कहा गया,
कि जानने के बगैर प्रतीति माने विश्वास नहीं होता है, और जब तक विश्वास नहीं होता तब तक प्रेम नहीं होता है। मतलब बात वही है कि जानना मानना पहचानना, तो ये मान्यता तो हमारी पहले से, अगर वो सिर्फ एक मान्यता के रूप में रही होगी तो हमने फिर जानने का काम छोड़कर हम उस बात को ही मान लेते हैं, और मानने से हमारा काम चलता नहीं है। तो हम ये बात सुन तो लेते हैं कि जानना आवश्यक है, परंतु जानना आवश्यक अगर इसे मानने में रह गए तो जानने काम नहीं कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारी सुक्तियां हमें परंपरा से मिलती हैं, परंतु यदि हम उसको खुद एक्सप्लोर ना करें, जांचे परखे नहीं, जानने काम ना करें, तो हमारे पास एक सूचना के रूप में बनी रहती है। तो जानने से मानना होता है, मानने से आचरण की निश्चितता होती है, बात तो हमने सुनी हुई है परंपरागत ढंग से, परंतु यदि हमने स्वयं जानने का काम नहीं किया तो एक हमारे लिए सूचना के रूप में ही है, एक मान्यता के रूप में ही है। उसमें दूसरी बात ये भी होती है कि हमने एक जगह से एक बात सुनी, दूसरी जगह से कोई दूसरी बात भी सुन ली, अब इन दोनों को हम साथ बैठा नहीं पाते हैं, तो कभी एक तरीके से चलते हैं, कभी दूसरे तरीके से चलते हैं। जी मनसारे जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर मेरे व्यक्तिगत विचार से मैं मानता हूँ कि मान्यताएं हमारे जीवन में, मेरे जीवन में वो मायना नहीं रखती। मान्यताएं बहुत सारी है जो कि आज की परिस्थिति में 1500 साल पहले जो थी और आज उनमें बदलाव आया, और बदलाव मजबूरी में करना पड़ा। अगर हम इंसानियत धर्म की बात करें तो इंसान को इंसान समझे, तो ऐसी कई मान्यताएं हैं जिनको बदलना पड़ा, और उनके बदले बिना इस दुनिया में एक इंसान की परिकल्पना नहीं की जा सकती। अगर उन मान्यताओं को लेकर के हम वही जीवन आज जीना चाहें तो शायद संभव नहीं है। तो मैं मान्यताओं पर विश्वास नहीं करता, मान्यताएं गलत भी हो सकती हैं और वो मानव धर्म के लिए अनुचित भी हो सकती है। जी जी भाई, तो अगर हमने सिंपली मान्यता बना ली है, जैसे यही एक मान्यता जिस पर कल भी बात हुई कि स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो जीने के लिए संघर्ष करना होगा और जो संघर्ष विजयी होगा वही जीत पाएगा। अभी एक मान्यता बना ली हमने 100 साल पहले, उसको भोग रहे हैं आज के दिन। तो बहुत सारी मान्यताएं हमने समझे बगैर बना ली है। अभी भी आप देखें तो हमारे जानने वाला भाग बहुत थोड़ा है, मान्यताएं बहुत सारी बन गई हैं। जैसे अगर इसको अपने आप में फैला के लिखा जाए कि एक सुखी जीवन अगर हम कल्पना करें तो हमने क्या क्या उसके बारे में माना हुआ है, उसको थोड़ा सा एक बार फैला के लिखे हम लोग होमवर्क के रूप में, तो हमको और स्पष्ट होगा। बहुत सारी चीजें जो हमने एक सुखी जीवन के लिए मान लिया है, हो सकता है मान्यताओं पे ही आधारित है, हमने जाने बगैर मान लिया है, समझे बगैर मान लिया है। जी भारत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जी सर, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मतलब जैसे अभी आपने बोला सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो पॉइंट आपने बोला, तो सर अभी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो ना आज के मतलब वातावरण में तो जो ना हर कोई जो ना अपने वातावरण के अनुसार ही व्यवहार करता है। मतलब लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो हम भी वैसा कर लें। लोग जानना नहीं चाहते हैं, लोग ये चाहते हैं कि भाई हम जिन लोगों के साथ बैठे हुए हैं हम वैसा ही व्यवहार कर लें। जैसे आपने एक उदाहरण दिया था कि कॉलेज में अगर 100 बच्चे पहले से ही गालियां बक रहे थे, अब 3 अगर नए बच्चे या फिर 30 इवन नए बच्चे अगर कॉलेज में आते हैं, तो सर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर प्रोबेबिलिटी यही है कि वो 30 बच्चे जो ना उन्हीं लोगों का अनुसरण करने लग जाएंगे। वो ये जानने मतलब की कोशिश नहीं करते कि मतलब भाई ये सही है कि गलत है, वो तो बस ये बोलेंगे कि जब 100 लोग कर रहे हैं तो हम भी गुना करें। इवन अगर 100 चोरों के बीच में एक जो है ना पुलिस वाले को बिठा दें, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पुलिस वाला भी जो है ना आज के डेट में वो भी वैसे करने लग जाएगा कि भाई जब वो कर रहा है तो हम भी क्यों ना करें। तो जैसे सर आपने बोला कि एक मान्यता है स्ट्रगल फॉर द फिटेस्ट, लेकिन अपन ने कल देखा था कि वो वेरीफाई नहीं हो पा रही है। वैसे सर एक जैसे एक मान्यता है कि व्हेन यू आर इन रोम फील लाइक रोम, तो सर ये भी चीज जो ना मतलब मान्य नहीं होनी चाहिए फिर तो, यदि हम जानने के ऊपर जाएंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल, तो अगर जानने को केंद्र में ले आए ना, तो बहुत सारी जो मान्यताएं हमने बना ली है ना वो धीरे धीरे मूल्यांकित होने लगेंगी, गिरने लगेंगी। जी क्योंकि सर अभी तो मतलब जो है ना अभी तक जो ना किसी ने मतलब इस पॉइंट को नहीं बोला कि आप अपने हिसाब से जानो, और जानने के लिए जो ना ये पॉइंट्स होने चाहिए। अभी सर आज के मतलब वातावरण में तो जो ना सब ऐसे ही करते हैं कि भाई जैसा वातावरण है वैसा, सब लोगों ने जीन्स पहनी है तो बच्चा जो ना धोती पहन के नहीं जाएगा, वो जीन्स ही पहन लेगा। इवन अगर जो ना अगर शॉर्ट्स पहना है तो शॉर्ट्स पहन के चले जाएगा। तो मतलब लोग बाग बस ये देखते हैं कि भाई मतलब इवन मैं भी कि भाई अगर 6 लोगों का ग्रुप है और 5 लोगों ने क्या करा, अगर उन्होंने गलत भी करा है तो मैं नहीं जानना चाहूंगा कि उन्होंने गलत करा, मैं तो कि भैया उन्होंने करा तो मैं भी कर लूं, बस इतना ही। मतलब ऐसे ही जो ना जिंदगी कट रही है, अभी मेरी भी ऐसे ही कट रही है कि मतलब हाँ भाई सब ऐसा कर रहे हैं तो अपन भी ऐसा कर लो। जानने की जो ना मतलब कोशिश बहुत ही कम जगह पे करते हैं, और अगर जान के पता चल भी जाता है कि भाई ये तो गलत है कि ये तो सही है, उसके बाद भी
नहीं नहीं सब कर रहे हैं तो हम भी कर लें, तो सर ये भाव मन में है और एक्चुअली ऐसा ही जिंदगी कट रही है, ऐसा ही करता हूं मैं भी। बात है, बहुत जेन्युइन शेयरिंग की आपने कि अभी ऐसे ही चल रहा है परंतु उससे हम बाहर निकलना चाहते हैं, ऐसा चल रहा है और ऐसे ही समस्या भी बनी हुई है परंतु उससे निकलना चाहते हैं। इसमें जो ना सर परिवर्तन की तो आवश्यकता है, लेकिन जो ना ये थॉट की मतलब जो ना सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लूं, ये थॉट जो ना सर मतलब एजुकेशन बोल दें या तो फिर समाज बोल दें, इस चीज से दिमाग में बैठ गया है, क्योंकि जैसे ही अपन जो ना उस चीज से हटते हैं तो लोग बाग मजाक उड़ाने लग जाते हैं। अगर जो है ना अगर पांच लोग बदमाशी कर रहे हैं, एक आदमी बोलता है कि नहीं यार मैं नहीं कर रहा, तो लोग बोलेंगे अरे तुम तो बुद्धू हो, तुम तो गधे हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है, ऐसे हो वैसे हो, तो फिर वो भी जो ना फिर उसको लगता है कि भाई मैंने तो गलत ही जान लिया, मतलब भाई गलत है, वातावरण के अनुसार ही करूं मैं। तो सर प्रैक्टिकली जो ना लोग बाग वो जानने में नहीं जा रहे हैं आजकल, वो वातावरण के अनुसार ही करते हैं, मतलब ये मेरा थॉट है कि मतलब क्योंकि मैं भी ऐसा ही करता हूँ, बस सर यही कहना चाह रहा था मैं। सर एक मिनट का समय। हेलो जी मंसारे जी, जी अनुमति हो तो सर बोलूं? हाँ बताइए जी। सर यही मान्यता पर से मैं अपने आप में अंतर मन में कलह मेरे चलता रहता है कि मैंने रामायण में पढ़ा था कि हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था, अब विज्ञान की दृष्टि से मैं देखता हूँ कि सूर्य एक आग का गोला है, एक ग्रह है, उपग्रह है ना, और वो मेरे मन में आज भी वो भाव मतलब विचलित होता रहता हूँ कि यार ये सही क्या है इसमें, मतलब ये मान्यता है बिल्कुल कि हनुमान जी ने सूर्य भगवान को निगल लिया था, और अब मैं विज्ञान में और इसमें पढ़ता हूँ तो उसमें देखता हूँ कि तो एक ब्रह्मांड है और ग्रह उपग्रह है, तो सर इसमें थोड़ा सा क्लियर चाहता हूँ, मैं निवेदन है आपसे। तो अभी तो इसको रहने दें, ये हमको कहीं से सूचना मिली हुई है, अभी तो हम समझ सकते हैं कि प्रकृति कैसी है, तो ग्रह क्या है, उपग्रह क्या है, सूर्य क्या है, इन सबको समझ सकते हैं, मनुष्य क्या है, शेष प्रकृति कैसी है, इनको समझ सकते हैं, फिर इसके साथ अपनी भागीदारी को समझ सकते हैं, जो भी हमको सूचना मिलती है उसको हम फिर इसके आधार पर जांच सकते हैं कि सूचना कितनी सही मिली है या नहीं मिली है, इन सब चीजों को जांच सकते हैं। ये हम में से हर व्यक्ति अपने एंड पे कर सकता है, उस पर यहाँ बात करने की जरूरत नहीं है, परंतु अगर जो जानने के मुद्दे हैं उस पर हमको स्पष्टता बन जाए तो बहुत सारे जो हमने मानने के लिए किया हुआ है अपनी तरफ से मान्यताएं बना ली हैं उसको हम एक बार मूल्यांकित भी कर सकते हैं। तो मुख्य काम है जानने का। हेलो जी। हाँ सर, मैं गणेश कारण बात रखना चाह रहा था जी। मुझे लगता है कि जहां तक मान्यताओं की बात है तो हमें एक तो उसकी सार्वभौमिकता को देखना चाहिए और दूसरा तार्किक भी होना चाहिए, तार्किक हो, प्रमाणिक हो जी। और जब हम इस कसौटी पर उस मान्यता को कसेंगे तो निश्चित रूप से हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे, और जब भी कोई मान्यता हमारे सामने आएगी और हम उसकी सार्वभौमिकता, उसकी प्रामाणिकता और उसकी तार्किकता को अपनी स्वयं की कसौटी पर कसेंगे तो निश्चित रूप से हमें एक दिशा मिल पाएगी, क्योंकि मान्यता तो कई है लेकिन कुछ अच्छी भी हो सकती है जी, और सार्वभौमिक भी हो सकती है कि जिससे सुखी और समृद्धता यदि बढ़ती हो, हमारे आनंद में यदि बढ़ोतरी होती हो सकारात्मक दृष्टिकोण से, तो हम उस मान्यता को मान सकते हैं। तो यहाँ मान्यता को यह है कि अपनी कसौटी पर कसना जरूरी है और तार्किकता, प्रामाणिकता और सार्वभौमिकता के आधार पर। जी इतना ही कहना चाहता था। बढ़िया है, बहुत अच्छा। तो ये हमने पूछा था आपसे कि क्या ये कहना सही है कि हमारी समस्याएं बिना जाने मान लेने के कारण है, तो उसमें ज्यादातर लोगों ने यानी तो 35 लोगों ने कहा है कि सहमत है, 3 लोगों ने कहा है कि न सहमत न असहमत, और 2 लोगों ने कहा कि असहमत है। ठीक है, इसको है ना, मुझे लगता है अभी जो चर्चा हो रही थी उससे ये निष्कर्ष निकल कर आता है कि अभी आप सब लोग उसको जांचने के क्रम में, बहुत अच्छी बात है, बात को आगे लेके चलते हैं। तो इतनी बात उन्होंने की कि मानव मय और शरीर 2 तरह की इकाइयों का सहअस्तित्व है। सहअस्तित्व किस प्रकार की, मय और शरीर के बीच सूचना का आदान प्रदान हो रहा है और दोनों साथ साथ बने हुए हैं, दोनों की आवश्यकताएं अलग हैं, क्रियाएं अलग हैं, निर्वाह की प्रक्रिया अलग है। अब इसमें देखें तो ये दिखता है कि मैं चैतन्य इकाई हूँ जिसमें कि भाव है, जिसमें कि समझ है, जिसमें इच्छा विचार आशा है, जिसमें निरंतरता है, जिसमें जानने का काम हो रहा है, मानने का काम हो रहा है, चैतन्यता है, तो मैं एक चैतन्य इकाई हूँ। शरीर एक जड़ इकाई है, जड़ता है, सामयिकता है, मात्रात्मक चीजें मात्रात्मक है, आवश्यकता जो है मात्रात्मक है, टेम्पररीनेस है, सामयिकता है, सिर्फ पहचाना निर्वाह करना हो रहा है, तो शरीर एक जड़ इकाई है। तो मानव को समझे तो दिखता है कि मानव एक चैतन्य इकाई और एक जड़ इकाई का सह अस्तित्व है।
इसको और थोड़ा देखेंगे तो पाएंगे कि जो चैतन्य का है यानी मैं, मेरी आवश्यकता निरंतर सुख है, और चैतन्य की आवश्यकता है और इसकी पूर्ति के लिए सही समझ सही भाव की आवश्यकता है, जो चैतन्य क्रियाएं हैं, मुझ में ही ये समझ होना है, मुझ में ये भाव स्थापित होना है, मेरी ही क्रियाओं में लय होना है। दिखता है निष्कर्ष रूप में कि चैतन्य की आवश्यकता चैतन्य की क्रियाओं से ही पूरी होती है, जड़ से पूरी नहीं होगी। ये एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष है कि चैतन्य की आवश्यकता चैतन्य की क्रियाओं से ही पूरी होगी, जड़ से पूरी नहीं होगी। दूसरी तरफ देखेंगे शरीर को तो जड़ इकाई है, शरीर की जो आवश्यकता है सुविधा वो भी जड़ है, पूर्ति के लिए जो आवश्यक चीजें हैं भौतिक रसायन वस्तु वो भी जड़ है। तो ये भी दिखता है कि जड़ की आवश्यकता जड़ से पूरी होती है। ये एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष है कि चैतन्य की आवश्यकता चैतन्य से पूरी होगी, जड़ की आवश्यकता जड़ से पूरी होगी। जड़ की आवश्यकता किस रूप में है इसको हम लोग आगे और विवेचना करेंगे, उस पर पोषण संरक्षण सदुपयोग के लिए सुविधा की जरूरत है। तो शरीर का पोषण करना है, संरक्षण करना है या सदुपयोग करना है, इन सब के लिए सुविधा की जरूरत है। परंतु सुविधा जड़ है, शरीर जड़ है, तो बात बहुत सरल है। शरीर जड़ है, मैं चैतन्य हूँ, मेरी आवश्यकता चैतन्य से पूरी होगी, शरीर की आवश्यकता जड़ से पूरी होगी। जड़ जड़ के लिए पूरक होगा, चैतन्य चैतन्य के लिए पूरक होगा। कठिनाई तब होती है जब हम इन दोनों के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हमने मैं को शरीर मान लिया, यही मूल मान्यता है जिस कारण बहुत सारी कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं, एक भ्रम बन गया, एक गलत मान्यता बन गई कि मैं बराबर शरीर। अब शरीर की जो आवश्यकता हमने देखा, शरीर जड़ इकाई है, सामयिक है, तो जड़ वस्तुओं से उसकी पूरी होगी, उसमें सामयिकता होगी। जो मेरी आवश्यकता है सम्मान विश्वास सुख, इसमें निरंतरता चाहते हैं, चैतन्य आवश्यकता है, चैतन्य से पूरी होगी। अब हमने चूंकि चैतन्य को जड़ से मिला दिया तो हम एक निरंतर बने रहने वाली आवश्यकता को सीमित सुविधा से पूरा करने जाते हैं, और जैसे ही सीमित सुविधा से पूरा करने जाते हैं तो ऐसा लगता पूरा तो होगा नहीं, तो उसकी सीमा को बढ़ाओ। अगर बहुत ही रैशनली देखें तो संसार में समाज में क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि लोग अपनी चैतन्य की आवश्यकता जो निरंतर है उसको जड़ से पूरा करने जा रहे हैं। जड़ से चूंकि पूरा नहीं हो पा रहा क्योंकि वो सीमित है तो उसको असीमित बनाने जा रहे हैं। अब ये एक फसावट है क्योंकि मूल रूप में यहाँ गलती हो गई, मैं बराबर शरीर कर दिया, गलत कर दिया, तो हमने सम्मान बराबर सुविधा कर दिया, तो हमने निरंतर बराबर सीमित सुविधा कर दिया, उस सीमित सुविधा को बढ़ाने के लिए असीमित बनाने लगे। अब लगता है उसके लिए बहुत सारा सुविधा संग्रह करना पड़ेगा असीमित, और उस असीमित सुविधा संग्रह के बावजूद हम दरिद्र होंगे या समृद्ध होंगे, क्या लगता है? तो दरिद्र ही रहेंगे। अगर मुझ में समझ नहीं है तो मैं कभी तय ही नहीं कर पाऊंगा कि सुविधा की आवश्यकता कितनी है, तो चाहे जितना भी सुविधा संग्रह कर लें दरिद्रता का भाव बना ही रहेगा। और अभी समाज में ही दिख रहा है, जो हम लोग कल भी बात कर रहे थे कि जो भोजन का उत्पादन है वो धरती के कुल जो भोजन की आवश्यकता उसका 6 गुना है, और जितनी आवश्यकता उसको 2 गुना व्यर्थ हो रहा है, वेस्ट जा रहा है, फिर भी लोग भूख से मर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सुविधा संग्रह करने के बावजूद दरिद्रता का भाव बना रहता है। ये व्यक्ति के स्तर पर दिखता है, ये परिवार के स्तर पर दिखता है, ये गांव के स्तर पर दिखता है, ये देश के स्तर पर दिखता है, पूरे विश्व के स्तर पर दिखता है। तो होता क्या है कि जैसे हमने मैं को शरीर मान लिया तो अभाव बना रहता है अपने पास कि मेरे पास पर्याप्त नहीं है, तो फिर क्या करते हैं सुविधा के लिए और प्रयास करते हैं, किसी भी तरह से हो जाए, नैतिक तरीके से, अनैतिक तरीके किसी भी तरह से हो जाए, परंतु उसके जितना भी संग्रह करते हैं वो फिर दिखता कि अभी असीमित तो हुआ नहीं, उसकी एक सीमा है। अभी मजे की बात देखिए कि विश्व में हर महीने हर हफ्ते कौन सबसे अमीर है, कौन किस नंबर पे है, कौन किस पायदान पे है, ये एक रैंक निकलता रहता है, कभी कोई 1 नंबर पे, कभी कोई 2 नंबर पे, कोई 5 नंबर पे, 10 नंबर पे। अब इतना सारा सुविधा संग्रह करने के बावजूद उस रैंक में आज आप 1 नंबर पे, कल खिसक के 2 नंबर पे हो सकता है आ जाए, कल खिसक के 10 नंबर पे आ जाएं, तो एक अनिश्चितता तो बनी रहती है। अगर हमने उस रैंक को अपना सुख से जोड़ लिया, दुनिया का नंबर 1 रिचेस्ट होना बराबर सुख, तो उसे कोई निश्चितता नहीं है, कोई निरंतरता नहीं है। वैसे हमने सोच दिया कि इस मोहल्ले में सबसे अमीर होना बराबर सुख, कोई निश्चितता नहीं, कोई निरंतरता नहीं है। वैसे हमने अपने ऑफिस में सोच लिया कि इसमें जिसके पास सबसे अधिक सुविधा होगी, जिसके पास सबसे लंबी कार होगी, बड़ी कार होगी, महंगी कार होगी, उसको सम्मान मिलेगा, फंस गए, उसमें कोई निरंतरता नहीं है, कोई निश्चितता नहीं है। इससे सो का कुचक्र है ना, तो जांचने की बात है, कहीं आप भी इस कुचक्र में तो नहीं फंसे हैं। आपसे एक शेयरिंग ले लेता हूँ, इस पे एक पोल ले लेता हूँ।
क्या भी कुचक्र में फंस गए परीक्षित भैया पुल जी, ये देखने की बात है कि क्या हम भी इस कुचक्र में फंसे हैं। इस बीच में कोई अगर कुछ रिफ्लेक्ट करना चाहे, मंसारे जी कुछ कहना चाह रहे थे, अगर पहले से हैंड रेज है तो मैं उसको लोअर कर देता हूँ। जिन लोगों ने अभी तक बात नहीं रखी मैं उनके थोड़ा नाम पुकार लेता हूँ। अंजना श्रीवास्तव जी विदिशा से, विजय कुमार मेवाड़ा जी, विष्णु जी हाँ सर नमस्कार सर, हेलो जी जी बताएं। हाँ बी के सेशन में बात अच्छी चल रही है, जानना पहचानना मानना और उसका निर्वाह करना जी, लेकिन एक सार्वभौमिक और परम सत्य है जो सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि जन्म लिए हैं तो मृत्यु निश्चित है, जानते हूँ जानता हूँ मैं मानता भी हूँ। अभी रुक जाइए, अभी मैं यहीं पे रोक लेता हूँ। किसकी मृत्यु निश्चित है, मैं की या शरीर की? शरीर की, शरीर की जी। हाँ बताएं। लेकिन स्वीकार मैं नहीं करूंगा, मतलब जब भी ऐसी स्थिति आएगी तो बचने का प्रयास फुल प्रयास करते हैं, ये सार्वभौमिक परम सत्य है। इसको थोड़ा सा और मैं क्लैरिफाई कर दूं कि समझ के अभाव में तो ये दिखता है, ये प्रयास हो सकता है। समझ के साथ तो ये दिखता है कि शरीर की अपनी एक व्यवस्था है, अगर व्यवस्था अनुकूल नहीं है तो शरीर हमारे साधन के रूप में काम नहीं करेगा, तो एक निर्णय ले सकते हैं कि शरीर छोड़ दिया जाए क्योंकि शरीर साधन के रूप में काम नहीं कर रहा। बिल्कुल, अगर आप देखें तो शरीर छोड़ते समय तो ये निर्णय लेते ही है कि हाँ ये शरीर अब हमारे काम लायक नहीं रहा। आखिरी में सर, आखिरी में ये निर्णय लेंगे, उससे पहले तो आदमी तमाम प्रयास करेगा कि नहीं अभी और जिंदा रह, जबकि जानते भी हैं मानते भी हैं समझते भी हैं कि मरना तय है। भाई देखिए, अभी ये तो हम जान लेते हैं कि शरीर खत्म हो जाएगा है ना, मर जाएगा, बट इस बात को नहीं जान पाते कि क्या बचा रहेगा। ये हमको सूचना मिलती है, मैं के बारे में सूचनाएं मिलती है, हमने कुछ पढ़ लिया है, कहीं से सूचना ले ली है, कोई कथा कहानी सुन ली है, वो सिर्फ सूचना के रूप में है, एक मानने के रूप में है, मैं को जानने का काम नहीं हुआ है। जब तक मैं को जानने का काम नहीं हो जाता तब तक ये निरंतर सुखपूर्वक जीने का कार्यक्रम नहीं बन पाता, तब तक ये बहुत सारा भय आवेश लेकर जीते ही रहते हैं। अभी अगर आप जीने में आकलन करें सब कुछ साथ साथ चल रहा है, जी भी रहे हैं परंतु जीने का भय भी चला हुआ है। जी अंजना जी कह रही है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है जी, तो अभी हमने जाना नहीं है मैं और शरीर के अस्तित्व को जाना नहीं है, और ये मृत्यु भी क्या है इसको भी हमने जाना नहीं है, इसके बारे में सुना है, अब ये जरूर देखा है कि शरीर नहीं रहता एक समय के बाद, बट जब शरीर नहीं रहता तो क्या घटना घटित होती है ये हमने जाना नहीं है, ये हमारे लिए एक रहस्य है, इसलिए अभी इतना सारा भय शंका बना रहता है। बट इसको जान सकते हैं, इसको इसी क्षण जान सकते हैं, मैं को मैं के रूप में, शरीर को शरीर के रूप में जान सकते हैं। अच्छी बात है, आप सब लोग काफी इन्वॉल्व होकर पूरी बात को सुन पा रहे हैं और अपनी बात रख पा रहे हैं। तो दो लोगों ने कहा है कि दृढ़ता से सहमत हैं, 14 लोगों ने कहा है कि सहमत हैं, 2 लोगों ने कहा है कि न सहमत न असहमत, 12 लोगों ने कहा असहमत है और 8 लोगों का दृढ़ता से असहमत है। बहुत अच्छी बात है, आप लोग इस बात को रिफ्लेक्ट कर दे कि मुख्य मुद्दा तो जांचने का है कि हम इसको जांच पाए, अपने जीने से जोड़कर देख पाए। जी मुकेश बिले जी सर, मैं को जी कुछ करें। हाँ जी सर, मैं को जानने की आवश्यकता है और इस पे काम करने की आवश्यकता है, उस पे निरंतर हम लोग काम कर भी रहे हैं। तो कहने का उद्देश्य यही है कि जब मैं खुद को जानता हूँ तो मन में ये भाव होता है कि मैं कैसे समाज उपयोगी बनूं। इस एक वाक्य में मेरे हिसाब से सभी जो हमारे कंटेंट है उसका समावेश हो सकता है कि समाज में मेरी क्या उपयोगिता रहे, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो समाज उपयोगी बनना, मैं को आधार मानकर अपने मानवीय मूल्यों को आधार पर आधार मानते हुए हम लोग
आपके द्वारा जो बताए जा रहे सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसर होते हैं, तो एक भौतिकवाद से हटकर जो आंतरिक अनुभव है जिसको मैं के हिसाब से जानता हूं, तो उस आंतरिक जो हमारा पोषण है उस पे हमें काम करने की आवश्यकता है। जी ठीक बात है, तो इसको जांचने का काम और करते हैं विजय जी। जी सर, ये जांचना निरंतर रहेगा। जी अभी जितनी बात की हमने उसको थोड़ा सार ले लेते हैं उसका। तो उन्होंने इस बात को प्रस्ताव किया, प्रस्ताव के रूप में रखा कि मानव मैं शरीर दो तरह की वास्तविकताओं का सहअस्तित्व है और मैं चैतन्य इकाई है, इसकी आवश्यकता भाव जैसे सुख सम्मान इस रूप में है और ये सब चैतन्य की क्रियाओं अर्थात सही समझ सही भाव से पूरी हो जाती है। शरीर एक जड़ इकाई है, इसकी जो आवश्यकताएं जड़ वस्तुओं के रूप में जैसे भोजन कपड़ा मकान, ये जो आवश्यकताएं जड़ वस्तुएं अर्थात भौतिक रासायनिक वस्तुओं से पूरी होती हैं। तो जड़ वस्तुओं से मैं की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता और जड़ क्रिया जड़ इकाई की आवश्यकताओं को केवल चैतन्य से पूरा नहीं किया सकता। तो न तो मैं की आवश्यकता जड़ वस्तुओं से पूरी हो सकती है, न शरीर की आवश्यकता केवल चैतन्य वस्तुओं से पूरी हो सकती है। और जो हमने बातचीत किया उसमें ये निकल कर आया कि शरीर का जो पहचानना निर्वाह करना है वो निश्चित है, मैं का जो पहचानना निर्वाह करना है वो जानने और मानने के आधार पर होता है। यदि मानना जानने के आधार पर है तो मानना ठीक होता है, पहचानना निर्वाह करना निश्चित होता है, तब मनुष्य का आचरण निश्चित होता है। परंतु यदि मानना बिना जाने है तो मानना सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, इसलिए पहचानना निर्वाह करने में अनिश्चितता बनी रहती है तो आचरण निश्चित रहता है। इतनी बात उन्होंने की, इसको अभी यहाँ पे समअप करते हैं। एक वीडियो है, मैं चाहूंगा कि 3 बजे जब आप लोग आते हैं उसके पहले आप इस वीडियो को देख कर आए तो हम लोग आगे और बात कर पाएंगे। इस वीडियो का नाम है स्टोरी ऑफ स्टफ, एक एनी लियोनार्ड एक व्यक्ति है इन्होंने इस वीडियो को बनाया है और इसमें वो दिखाते हैं कि किस तरह से नासमझी में बहुत सारा सुविधा संग्रह भोग शोषण चल रहा है और उसका एक आकलन किया गया है और उसमें बहुत सारा डेटा भी अपने को मिलते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देख कर आएंगे तो आगे की बात रखने में सहूलियत होगी। कुछ असाइनमेंट है आज का, इसको मैं थोड़ा डिटेल आउट करता हूँ। तो एक काम ये करना है कि अपनी इच्छाओं की सूची बनानी है, अपने पता लगाना है कौन सी इच्छा समझ से जुड़ी है या संबंध से जुड़ी है या सुविधा से सीधे सीधे जुड़ी है। जैसे पैसा, तो पैसा अगर हम देखें तो सुविधा मिलता है हमको उससे, तो पैसा सुविधा प्राप्त करते हैं इसलिए सुविधा से जुड़ी है। नाम या प्रसिद्धि की बात करें, संबंध का मुद्दा है, दूसरा व्यक्ति हमको नाम पहचाने हमको स्वीकारें तो ये संबंध का मुद्दा है। अच्छा भोजन मिले ये सुविधा की जरूरत बात है, गाड़ी सुविधा की बात है, मन की शांति मेरी बात है, समझ से पूरी होगी, इस रूप में कैटेगराइज कर सकते हैं सूची बनाकर। एक और इसके आगे काम है कि जो भी इच्छाओं की हम सूची बनाए उसको अब ये देखना है कि इच्छाएं किससे सीधे सीधे संबंधित है, मैं से या शरीर से। जैसे पैसा है ना, पैसे से हमको अगर भौतिक सुविधाएं मिल रही है तो शरीर से जुड़ा है, पर यदि पैसे से मैं सामाजिक प्रतिष्ठा जान पाने जाता हूँ कि ज्यादा पैसा यानी ज्यादा प्रतिष्ठा तो ये मुझसे जुड़ी हुई है, पर यदि पैसे को इंटरटेनमेंट के लिए मौज मस्ती के लिए प्रयोग किया जाए तो वो भी अल्टीमेटली कौन मौज मस्ती लेने वाला है, मैं, तो मैं से जुड़ी है। वैसी नाम प्रसिद्धि दूसरों से ध्यान पाना मैं से जुड़ा हुआ है। अच्छा भोजन अगर शरीर के स्वास्थ्य के अर्थ में है तो शरीर से जुड़ा हुआ है, स्वाद पाने के लिए है तो मैं से जुड़ा हुआ है। ऐसे आपको स्वयं से एक सूची बनानी है, असाइनमेंट में आपको लिखा हुआ मिलेगा है ना, उसको आपको गूगल फॉर्म में भर के देना है। कार यदि शरीर के आवागमन के लिए है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए है तो शरीर से जुड़ा हुआ है, बट यदि हमको लगता है कार में बैठेंगे तो पड़ोसी मेरा सम्मान करेंगे, सम्मान यानी मैं से जुड़ा हुआ है। कार में बैठा देखकर मुझे अपने आप को अच्छा लगता है तो फिर ये फिर मैं से जुड़ा हुआ है। मन की शांति स्वयं के लिए है तो स्वयं से जुड़ा हुआ है। ऐसे आप बना सकते हैं। जब भी आपको लगे कोई भी ऐसी इच्छा जो दोनों से जुड़ी है तुरंत उसके उद्देश्य को देखिए, उसके पर्पज को देखिए, उससे आपको और क्लैरिटी बनेगी। ये असाइनमेंट है आज के लिए और आगे देखना है, ये पता लगाना है कितना प्रतिशत स्वयं की आवश्यकताओं संबंधित है जो भी आपकी इच्छाएं हैं और कितना प्रतिशत शरीर की आवश्यकताओं संबंधित है। उदाहरण के लिए हो सकता है 80% इच्छाएं जो है स्वयं के लिए, 20% इच्छाएं शरीर के लिए। अब ये भी ध्यान से देखें कि अभी हम कितना सारा प्रयास सुविधाओं के लिए कर रहे हैं, कितना सारा प्रयास सही समझ सही भाव के लिए कर रहे हैं, इसका एक कंट्रास्ट मिलेगा आपको। आपको दिखाई दे सकता है कि सुविधा के लिए 80% टाइम लगा देते हैं, समझ और भाव के लिए हम 20% टाइम ही लगाते हैं। तो ये आज आपके अपने आकलन के लिए अभ्यास के रूप में, तो ये हम लोगों ने मैं और शरीर की बात की,